لا <applause> اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين असलकम वरमोलि वरक क्या हाल है सबका रमजान मुबारक शुक्रिया. कल के बारे में से कौन सी चीजें आपको याद रही नफ्स तो शैतान शरारतों से और शैतान की शरारतें और से नफ्स में तो आते रहते हैं लेकिन हमें अल्लाह ताला की रहमत से महफूज हिफाजत मिलती है तो इसलिए हमें अपने की के लिए एक बस एक में अच्छा। <laughs> जी दे हम ना को दे को हालात कैसे भी हों बंदों की तदबीर पर अल्लाह की तदबीर गालिब आती है इल्म का मिलना अल्लाह की बंदे से मोहब्बत की निशानी है हमेशा अल्लाह अल्लाह से अच्छे खात्मे की दुआ करना चाहिए इन की बुलंदी का जिक्र दिल की गजा है अल्लाह का जिक्र जिंदगी देता है मोहब्बतों को बरकरार रखने की दरकसर करना होगा आजमाइश इंसान को तपाकर साफ कर देती है मोहसिन अपने अल्फाज के चनाव में भी मोहतात होता है खास हालात में अपने खास सिफात को बयान करना चाहिए ताकि उसके काम आ सके ताकि दूसरों के काम आ, आ सके ठीक है अल्लाह का जिक्र दिलों को इतमान बख्शता है الا بذكر الله تطمئن القلوب اسمي ذكر امي قران وتسبيه दोनों दाखिल है हिदायत उसे मिलती है जो हिदायत का तलब होता है माशाल्लाह हाथ खड़ा रखा करें ताकि देने मुसीबत के वक्त जजा फजा करना मना है नीचे दरगुजर करने के साथ दुआ भी देनी चाहिए जी दूसरों को दरगुजर करने के साथ साथ अल्लाह ने इंसान को हर वो तो चीज दे दी जो उसने उससे मांगी थी नेकी कभी दया नहीं होती आ, कल का सबक था तब का सब्र और एहसान इस पारे की हाईलाइट इस सूरत की हाई लाइट कामयाबी की जमानत दरगुजर करने से इज्जत में इजाफा होता है दरगुजर करने के अलावा दुआ भी करें मोहब्बतों को बरकरार रखने के लिए लफ्जों से दरगुजर करना होगा शर्म से खैर की बात करना ठीक है जजाक खैर आ, बहुत ही खुशी होती है जब आप लोग टू द पॉइंट बात करते हैं और वाकई मुझे लगता है कि आप सुन रहे होते हैं जज़ाक अल्लाह वफीक को नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल्ल करीम अम्मा बाद फऔजू बिललाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम रब शराली सदरी वयसरली अमरी वाहलु़दतमलिससानी अफ़हू कवली अल्हमदल्ला आज़ीज़ अग़फ़ूर अलहली मशकूर अहमदुरबी व अशिकुरहू व अतूबाला व अस्तरू लह वाह शरी अली मुबिदात सदूर हर क़सम की हमद अल्लाह के लिए है जो गालिब और बहुत बख्शने वाला है और कदरदान है मैं अपने रब की हमद करती हूँ और उसका शुक्र अदा करती हूँ उसकी बारगाह में तौबा करती हूँ और उससे बख्शिश तलब करती हूँ अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं वो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं वो दिलों के भेद जाने वाला है चौदवा पारा تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين एक वक्त आएगा कि वो लोग जिन्होंने गुर किया वो चाहेंगे काश वो मुसलमान होते वो ये आरजू कब करेंगे मौत के वक्त जब मौत के फरिश्ते उन्हें सख्ती से पेश आएंगे या जब वो कब्र में पहुँचेंगे और अजाब के फरिश्ते आएंगे या जब वो जहन्नम में चले जाएंगे या उस वक्त जब गुनागार ईमानदारों को कुछ अरसा सज़ा मिलने के बाद जहन्नम से निकाल लिया जाएगा या मैदान महशर में जहाँ हिसाब किताब हो रहा होगा और काफिर देखेंगे कि मुसलमान जन्नत में जा रहे हैं तो आरजू करेंगे कि काश वो भी मुसलमान होते लेकिन ये आरजू उनको कोई फ़ायदा ना देगी और ये तमाम मकामात जो हैं ये तमाम मकामात जो हैं ये इस ये तमाम के तमाम मकाम किस बात का इजहार करते हैं यानी किस बात को जाहिर करते हैं कि इन तमाम मकाम पर उनकी हसरत यही होगी यानी उनकी हसरत इन तमाम मकाम पर होगी क़्यामत के दिन काफिर की हसरत हसरतुराने मजीद में दूसरी जगह भी बताई गई है योमयम जरूमर उमा कदमत यदा फिर यकूल लई तनी कुंत जिस दिन आदमी देख लेगा जो उसके दोनों हाथों ने आगे भेजा और काफिर कहेगा ए काश के मैं मट्टी होता वरहुम व वमताऊ वमलू फसऊ या अलमून छोड़ दीजिए इन्हें ये खाएं और मज़े उड़ाएं और झूठी उम्मीदें इन्हें गाफिल किए रखें बस अनकरीब ये जान लेंगे लंबी आर्जुए आखिरत को भुलाने का सबब होती हैं यानी लज्जतें हासिल करना ज़िंदगी गुज़ारना, आख़रत की तैयारी न करना ये निजात तलब करने वालों के अखलाक में से नहीं होता अलैहि सल्ला ने फरमाया बूढ़े इंसान का दिल दो चीज़ों के बारे में हमेशा जवान रहता है दुनिया की मोहब्बत में और लम्बी उम्मीदों में हसन बसरी कहते हैं जब बंदा अपनी आर्जुओं को लम्बा कर लेता है तो उसके अमल ख़राब हो जाते हैं हज़रत अली से बाज़ आसार में मिलता है कि मैं दो चीज़ों से डरता हूँ तुम्हारे बारे में लंबी उम्मीदें करने से और ख्वाहिशात की पैरवी करने से क्योंकि लंबी आजुएँ आखिर को भुला देती हैं और ख्वाहिशात की पैरवी हक़ से रोक देती है तो हम सब को भी सोचना चाहिए कि हम अपने ख्यालात में ज़्यादातर वक्त किस चीज़ के बारे में यानी हमारे ख्यालात ज़्यादातर किस चीज़ के बारे में होते हैं क्योंकि इंसान के दिल में जो चीज़ ज़्यादा गालिब होती है वो उसी के बारे में ज़्यादा सोचता है या तो माजी के कुछ वाक़ पर हसरतें होती हैं या फिर आइंदा आने वाले हालात के बारे में कुछ अंदेशे होते हैं कुछ आर्जुएँ होती हैं कुछ उम्मीदें होती हैं कुछ विशुल थिंकिंग होती है और बहुत कम लोग हैं जो हाल में रहते हैं और इस वक्त हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बहुत सही सोचें और सही काम करें वमा अहलकना करियतिन इल्ला वलहा किताबु मालूम और हमने जिस बस्ती को भी हलाक किया उसके लिए एक वक्त मुकर्रर लिखा हुआ था मा तस्बिकन उम्मन वमा यस्ताखिरून कोई उम्मत अपने मुक्र वक्त से ना आगे निकल सकती है और ना पीछे रह सकती है और उन्होंने कहा ऐ वो शख़्स जिस पर ये ज़िक्र उतारा गया है यकीनन तुम मजनून हो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर ज़िक्र यानी क़ुरान मजीद नाजिल किया जा रहा था और मजीद से बढ़कर हिकमत वाली किताब कौन सी हो सकती है लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ाक के तौर पर पागल और दीवाना कहते थे हालाँकि आप ख़ुद भी सबसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान थे और यह उनके कुफ्र और मज़ाक उड़ाने की बदतरीन सूरत थी रिवायत में आता है कि अज़ कबीले का एक फ़र्द मक्का आया तो उसने मक्का के बेवकूफ़ों से सुना कि आप मजनून हैं वो आपके पास आया और आपको अपने इलाज की पेशकश की कि मैं आपका इलाज कर सकता हूँ यानी इस हद तक इन्होंने संजीदगी के साथ इस बात को फैलाया हुआ था आप अलैहि वसल्लम ने ख़ब मसनूना पढ़ा उसने दरखास्त की कि आप फिर पढ़ें आपने तीन बार ये खुतबा पढ़ा तो उस पर उसने आपकी बेहद तारीफ की और हो गया नहीं इलाज के लिए का खुद इलाज हो गया लो अतीना बिलमला इकत इन कुंत मिनसा दिन तुम हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं ले आते अगर तुम सच्चों में से हो यानी फरिश्ते सामने आकर क्यों नहीं गवाही देते कि वाकई ये अल्लाह का पैगंबर है कि इसकी करो और इस तरह के मजीद में, में कई जगह इन्होंने किए हम फरिश्तों को हक के साथ ही उतारते हैं और तब ये मोहलत नहीं दिए जाते यानी फरिश्ते तो उस वक्त नाजिल होते हैं जब किसी की मौत का वक्त आ गया हो या फिर किसी कौम पर कतई अजाब का फैसला हो चुका हो उसके बाद उन्हें मोहलत नहीं दी जाती इन्ना, नहनु इन्ना लहू लाफि ला बेशक हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं यहाँ भी ज़िक्र कमाना कुरान मजीद है कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है और उसने ख़ुद इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है पिछली किताबें क्यों ना महफूज रह सकें क्योंकि उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह तेलमा को दी थी ख़ुद नहीं ली थी इंसानों के ज़िम्मे ये हिफाजत थी और इंसानों ने अपनी मर्ज़ी से उसमें तब्दीलियाँ कर डालीं और यकीन हमने आपसे पहले भी अगले ग्रोहों में रसूल भेजे और उनके पास जो भी रसूल आता ये उसका मजाक ही उड़ाया करते थे इसी तरह हम ये बात मुजरमों के दिलों में दाखिल कर देते हैं ये इस पर ईमान नहीं लाएंगे और यकीन अगले लोगों का यही तरीका गुजर चुका है और अगर हम इन पर आसमान का कोई दरवाज़ा खोल दें फिर ये दिन के वक्त उसमें चढ़ने भी लग जाएं, तब भी ये ज़रूर कहेंगे कि हमारी निगाहें मदहोश कर दी गई हैं बल्कि हम ऐसे लोग हैं जो जादू कर दिए गए हैं वल़ा अलनाफिसमा इबुरुजा व जन ना नाजरीन और यकीनन हमने आसमान में बहुत से बुज बनाए और हमने उसे देखने वालों के लिए मुजीन किया है आसमानों के बुर्ज से मुराद यानी सितारे सारे हैं इससे मुराद वो बुर्ज नहीं जो आ, लोगों ने बुर्ज बनाए हुए हैं जिनको इंग्लिश में वो क्या कहते हैं आसमान पे जो बुज होते हैं हॉरोस्कोप यस जी हाँ जैसे जिस और उनकी शक्लें भी बनाई हुई हैं उन्होंने जैसे एक सरतान जिसको कहते हैं उर्दू में और केकड़े की शक्ल बनाई हुई है और अकरब जिसकी बिच्छू की शक्ल बनाई हुई है और तराजू और डोल और इस तरह की चीजें और उससे वो अपनी किस्मत का हाल वस्ता किए हुए हैं तो ये इससे मुराद नहीं है कि अल्लाह ताला ने वो बुरज बनाकर तुम्हारी किस्मतें उनमें रख दी हैं अक्सर ने यहाँ बुरुज से सितारे और सयारे ही मुराद लिए हैं जो रात के वक्त आसमान को जीनत बख्शते हैं और लघबी एतबार से बुरज हर ज़ाहिर नज़र आने वाली चीज़ को कहते हैं बुलंद चीज़ को ख़्वा वो कोई इमारत हो या गुम्बद हो या किला हो और सितारे भी चूँकि सामने नज़र आते हैं वाजें हैं जाहिर है तो इसलिए उनको भी बुरूज कहा गया वह वहाफिज नाहा मिनकुल्शैतानजीम और हमने हर शैतान मरदूद से इसकी हिफाजत की है यानी आसमान की हिफाज़त मगर जो कोई चोरी छुपे मगर जो कोई चोरी छुपे सुनने की कोशिश करे तो एक रोशन शोला उसका पीछा करता है और ज़मीन को हमने फैला दिया और उसमें हमने पहाड़ डाल दिए और उसमें हमने हर तरह की मौजों चीज़ उगाई है और हमने तुम्हारे लिए उसमें असबाब मीशत बनाए हैं और उनके भी जिनके राजक तुम नहीं हो मीशत से मुराद क्या है मीशत से असबाब मीशत से मुराद तमाम सामान्य ज़िंदगी जिस जिस पर हमारे आ, हमारी ज़िंदगी गुजरती है यानी हमारी ज़रूरत की चीजें जिसमें इंसान भी हैं जिसमें जानवर भी हैं जिन पर सवारी की जाती है सामान भी है और इसी तरह दीगर चीजें जो हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होती हैं व अमिन श् दना ख़ज़ा व मानून अदरूम और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसके खजाने हमारे पास न हों और हम उसे एक मालूम अंदाज़े के मुताबिक ही उतारते हैं यानी अल्लाह सुबहान हर चीज़ के खजाने हैं जो ज़रूरत के मुताबिक ज़ाहिर होते हैं यानी कोई भी चीज़ कीमती से कीमती हो या मामूली से मामूली अल्लाहान तीन कमी नहीं है लेकिन अल्लाह ताला ज़मीन पर वो सब कुछ इकट्ठा क्यों नहीं उतार देता इसमें भी उसकी हमतें हैं अब देखें कि इब्तदा में इंसान जलाने के लिए और रोशनी के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करता था जब आबादी ज़्यादा हुई तो कोयला निकल आया मज़ीद आबादी बढ़ी तो पेट्रोलियम पे की सनत सामने आ गई उससे भी आगे बढ़ी तो गैस निकल आई फिर बिजली ईजाद हो गई और अब आप देखें कि सोलर सोलर से इंसान का एनर्जी हासिल कर रहा है फिर इसी तरह पहिया इजाद हो गया और दीगर बेशुमार इजादात जिनको गिना नहीं जा सकता वक्त के साथ साथ तो ये सब कुछ कहाँ से बना रहे हैं कहाँ से ला रहे हैं ये अल्लाह के ख़जानों से ही जो जितने जब चाहता है अपनी मर्जी के मुताबिक उतारता है लोगों को उनसे आगाही दे देता है और हमने बार हवाओं को भेजा फिर हमने आसमान से पानी उतारा फिर हमने ही उससे तुम्हें पिलाया फिर हमने तुम्हें उससे पिलाया और तुम हरगिज़ उसे ज़ख़ीरा करने वाले नहीं हो यानी इंसान का अल्लाह के ख़ज़ानों पर कोई इख्तियार नहीं है यानी ना ऊपर आसमान में बारिश का ख़ज़ाना इंसान के कब्ज़े में है और ना नीचे ज़मीन में कुएँ चश्मे तालाब इन ख़ज़ानों पर इंसान का कोई इख्तियार है अल्लाह ताला जि जिस मक़दार में चाहता है पानी उतारता है रखता है वो जब चाहे बारिश बरसाए तो कोई रोक नहीं सकता जब चाहे रोक ले तो कोई अपनी मर्जी से बरसा नहीं सकता वो चाहे तो चश्मों और कुओं का सारा पानी जमीन में जज्ब कर दे और इंसान को एक कतरा भी ना मिले तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हाँ आंधी चलती थी तो दुआ करते थे अल्लामन अला बारिश वाली हवा हो बेबरकत ना हो वो इन्ना व नुमी तो व नहन और बेशक हम ही ज़िंदगी देते हैं और हम ही मौत देते हैं और हम ही वारिस हैं वल़दल नल मुस्मिन अमिन कुम वल़द अलम और बेशक तुम में से आगे बढ़ने वालों को भी हम जानते हैं और बिला शुबा पीछे रहने वालों को भी हम जानते हैं मुस्दमीन यानी जो पहले गुजर चुके और जो हमारे बाद आने वाले हैं मुस्रन सबका इल्म अल्लाह को है हमें नहीं पता हमसे पहले कितनी उम्मतें और तादाद में कितने लोग दुनिया में आकर गुजर चुके कोई कुछ कह सकता है उनकी क़बरों के निशान तक नहीं अगर दुनिया भर के कब्रिस्तानों को भी गिना जाए तो वो तमाम इंसानों की सही गिनती नहीं बताएंगे कि कितने पौत हो चुके हैं और हमारे बाद कितने हम हमें से किसी को नहीं पता हर रोज़ हमारी मौजूदगी में हमारी ज़िंदगी में कितने मर रहे हैं कितने जी रहे हैं हमें नहीं पता कितने बच्चे रोज़ पैदा होते हैं कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता सही अंदाज़ा एक गैस कर सकते हैं लेकिन सही अंदाज़ा नहीं कर सकते इसी तरह कितने इंसान एक दिन में फौत हो जाते हैं इसका पूरा डाटा किसी को भी नहीं मिल सकता ये सब और फिर ये कि सिर्फ़ इंसान ही तो नहीं ना इस प्लान पे कितने हैवानात जानवर कीड़े मकौड़े फ़जाओं में उड़ने वाले परिंदे कितनी मखलूक़ है ये सब अल्लाह को पता है कि आज तक कितनी पैदा हुई और कितनी आगे होगी इसी तरह मुस्कदमीन वो भी हैं जो नेकी की बात सुनकर आगे बढ़ जाते हैं फौरन चल पड़ते हैं जैसे अजान होती है तो नमाज के लिए निकल जाते हैं और अल्लाह को यह भी पता होता है कि किस किसने अजान सुन ली है और वो अभी तक बैठा हुआ है और वक्त भी गुजर गया और उसको उठने की तोफीक नहीं हुई और मुस्तान मुस्तदमी और मुस्तान में सिर्फ नमाज नहीं बल्कि दीगर नेकियाँ भी आती हैं कि अल्लाह की राह में निकलने वाले और इसी तरह लोगों की खिदमत के लिए निकलने वाले कौन आगे जाने वाले हैं और कौन बैठे रहने वाले हैं पीछे रहने वाले हैं और बेशक आपका रब ही इन्हें इकट्ठा करेगा और बेशक आपका रब इन्हें इकट्ठा करेगा बेशक वह बहुत हिमत वाला खूब वाला है और यकीनन हमने इंसान को बदबूदार सड़े हुए कीचड़ की खनकती मट्टी से पैदा किया कुरने मजीद में इंसान की तख्लीक़ का ज़िक्र आता है कि मट्टी से हुई और फिर मट्टी की मुख्तलिफ किस्मों और स्टेजेस का जिक्र किया गया और उसकी मुख्तलिफ़ हालतों के मुताबिक उनके नाम भी हैं जैसे खुश्क मट्टी भीगी हुई मट्टी गूँधी हुई बदबूदार और खुश्क होकर खन खन करके बोलने वाली मट्टी और जब आग पर पका लिया जाए तो उसको ठीक रही बोलते हैं तो अल्लाह सुबह ती तखली इन सारे मरा से की यानी आदम का खाकी पुतला मट्टी से बनाया गया जब सूख कर खिन खन करने लगा सलसाल हो गया तो उसमें रू फूकी गई और सलसाल को मजीद में एक दूसरी जगह फखार भी कहा गया वाल नारूम और इससे पहले जिन्नात को हमने आग की लिपट से पैदा किया जान बाज बादन ने इसे जिन्नों का बाप कहा है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम इंसानों के बाप हैं तो जिन्नों में से जो सबसे पहले पैदा हुआ वो जान कहलाया और बाज इसे जिन्नों की मुराद मुराद लेते हैं बाज ने ने इससे भी लिया है कि जान कौन था और जब आपके रब फरिश्तों से फरमाया कि मैं खनखनाती मट्टी से मैं खनखनाती मट्टी से सड़े हुए बदबूदार कीचड़ से एक बशर को पैदा करने वाला हूँ फिर जब मैं उसे दुरुस्त कर लू और उसमें अपनी पैदा की हुई रूह फूक दू तो तुम सब उसके लिए सजदा करते हुए सजदा करते हुए गिर पड़ना यहाँ हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने रूह की निस्बत अपनी तरफ की है मिन रूही यानी जब मैं उसको बराबर कर लूँ उस इंसान को और मुकम्मल बना लूँ तो अपनी रूह से फूंक दूँ यह इजाफत जो है ये निस्बत जो है ये नस्बत तशरीफ़ी कहलाती है यानी इंसान की इज्जत शरफ़ बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने उसे अपनी रूह करार दिया वरना हर चीज अल्लाह ही की है क्योंकि इस और इससे मुराद याद रखिए अल्लाह की रूह नहीं है इससे मुराद मखलूक की रूह है इंसान की रूह जो अल्लाह ने पैदा की खास इंसान के लिए क्योंकि अल्लाह की तरह तो कोई भी नहीं है ले सकम ही लिह ही यलिद वलम यूलद और कोई उसका हिस्सा नहीं है इकतु इकतुल्लुम अजमाऊन तो तमाम फ़रिश्तों ने इकट्ठे सजदा किया इल्ला इबलीस सिवाय इबलीस के अस्साज़िदीन उसने इनकार कर दिया कि वह सजदा करने वालों के साथ हो इबलीस तुझे क्या है कि तू सजदा करने वालों के साथ शामिल ना हुआ उसने कहा मैं ऐसा नहीं हूँ कि इस बशर को सजदा करूँ जिसे तूने बदबूदार सड़े हुए कीचड़ की खनखनाती मट्टी से पैदा किया हकीत समझ रहा था न इंसान को फरमाया फिर तू इससे निकल जा बिला तू मरदूद है रिजेक्ट है और बेशक तुझ पर बदले के दिन तक लानत है वो बोला ऐ मेरे रब बस मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जब वो उठाए जाएंगे, यानी मैं उस दिन तक जिंदा रहना चाहता हूँ ताकि मैं इंसानों को बहका सकूँ फरमाया बेशक तू मोहलत दिए जाने वालों में से अल्लाह ने उसकी दुआ भी कबूल कर ली तो अगर अल्लाह ताली इबलीस की दुआ कबूल कर सकते हैं उसकी रिक्वेस्ट मान सकते हैं तो फिर सभी की और वो मा और वो कबूल करते हैं ये तो उजीब दावत दाए ये हमें ही शैतान यकीन नहीं आने देता वरना वो तो सबको जवाब देते हैं इला मालूम उस दिन तक जिसका वक्त मालूम है यानी अल्लाह को मालूम है काला बिमाग वही तनी कहने लगा ए मेरे रब चूँकि तूने मुझे गुमराह किया है मैं भी उनके लिए ज़मीन में बुराई को ज़रूर मुजन करूंगा मैं इन सब को ज़रूर गुमराह कर दूंगा। अब शैतान ने कहा कि मैं इनके लिए ज़मीन में चीज़ों को मुजी कर दूंगा कौन सी चीज़ यानी ज़मीन में भी आ, यानी जिस तरह उसने आदम सलाम के सामने उस दरख्त का फल मुज कर दिया था तो दुनिया में ख़्वाहिशात नफ्स को वो मुजीन कर देगा जुयिन ब्बु शहवा तो और फिर अल्लाह की नाफरमानी के कामों को खूबसूरत बना के पेश करेगा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलम ने फरमाया बेशक इबलीस ने अपने रब अज्जा वजल्ला से कहा मुझे तेरी इज्जत और जलाल की कसम मैं आदम की औलाद को उस वक्त तक गुमराह करता रहूँगा जब तक उनके जिस्मों में रूह रहेगी यानी मौत तक तो इससे उसके रब अजाजल्ला ने फरमाया मुझे अपनी इज्जत और अपने जलाल की कसम जब तक वो मुझसे माफ़ी मांगते रहेंगे मैं उन्हें माफ़ करता रहूँगा तो इस हदीस से भी पता चलता है कि इबलीस ने औलाद आदम को गुमराह करने का पक्का इरादा कर लिया और कसम खा के ये बात कही लेकिन सब लोग उसके फंदे में नहीं आएंगे अला इबाद कमिन हमलमखल उनमें से तेरे चुने हुए बंदों के यानी तेरे वो बंदे जो खालिस्त तेरे लिए चुन लिए गए या जिन्हें तूने ख़ास अपना बना लिया उन्हें मैं गुमराह नहीं कर सकूंगा फरमाया यही सीधा रास्ता है जो मुझ तक पहुंचता है इन्ना इबादी लई अलैहिम सुल्तान बेशक मेरे बंदे उन पर तेरा कोई जोर नहीं होगा यानी जो सिरात मुस्तकीम पर चल रहे होंगे जिसकी दुआ हम हर नमाज में मांगते हैं तो उन लोगों पर जो ज़रात मुस्तकीम पर होंगे शैतान का ज़ोर नहीं चलेगा शैतान का बस नहीं चलेगा मगर जो गुमराह होने वालों में से तेरी पैरवी करें यानी जो शैतान की बात माने क्योंकि एक रहमान का रास्ता है और एक शैतान का रास्ता है याद रखिए कि आप जैसे यहाँ खड़े हैं जहाँ भी आप बैठे हैं दाई जानब रहमान का रास्ता जाता है और बाई जानब शैतान का रास्ता जाता है अब यह आपकी चॉइस है कि आप किस रास्ते पे चलते हैं जिस रास्ते पे चलेंगे उसी पर आपका अख्ताम होगा वही आपका एंड होगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत खींच कर बीच में और लकीरें डालकर बताया कि ये सीधा रास्ता है जो सीधा खत है और बीच में जो दाएँ बाएं लकीरें हैं ये वो रास्ते हैं जिनकी तरफ शैतान बुलाता है अगर इंसान उस तरफ निकल जाए तो सीधा रास्ता खो देगा तो इस इन आयास से यह पता चलता है कि इखलास बरतने वाले और ईमान रखने वालों पर शैतान का कोई ज़ोर नहीं चल सकता अल्लाह के चुने हुए बंदों पर शैतान का ज़ोर नहीं चलता वो शैतान को हरा देते हज़रत उमर के बारे में क्या आता है कि उमर जिस रास्ते से गुजरते थे शैतान वहाँ से भाग जाता था वो अपना रास्ता बदल लेता था ये चुने हुए लोग थे ना आज आप देखिए कि क्या शैतान हमें देखकर हमारे पीछे आ जाता है या भाग जाता है हम शैतान के मुकाबले में कितने ताकतवर हैं क्योंकि शैतान हमारा दुश्मन है ना अगर आप अपने दुश्मन को देखेंगे तो क्या करेंगे आप उसका मुकाबला करेंगे आप उसको हराएंगे आप उसको नीचा दिखाएंगे बुजदिल भाग जाते हैं ठीक है तो तो इसलिए शैतान शैतान की बातों में नहीं आना अच्छा एक होता है ना मीठे दुश्मन कुछ लोग होते हैं आपके बड़े हासिद होते हैं आप आपकी हर बात को नोट कर रहे होते हैं ऐसे दोस्तों से भी पना मांगी गई ना कि जिनके जिनकी, जिनकी आंखें हमें देखती हों और दिल वॉच करता हो यानी रकीब बन के क्या कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं और फिर उनसे मिलने वाले फ़ायदे उठा लेते हैं लेकिन फिर अपनी राह निकाल लेते हैं ठीक है ऊपर ऊपर से आपकी तारीफ़ें करेंगे लेकिन अंदर से आपसे जलते होंगे तो शैतान का भी बार ऐसा ही होता है कि वो ऊपर ऊपर से चीज़ों को बड़ा खूबसूरत बना के दिखाता है इंसानों की शक्ल में भी शैतान आता है और वो आपको ऐसी बातों से बहका ले जाते हैं गलत रास्तों पर कि पता भी नहीं चलता लेकिन शयातिन को भगाने के लिए ज़रूरी है कि कुरान से मज़बूत ताल्लुक हो शयातिन उस घर से भाग जाते हैं जहाँ बकरा पड़ी जाती है जहाँ आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है जहाँ सूरत अल्बकर की आखिरी आयत और इसके अलावा क़ुरान की शदीद वईद वाली आयत पढ़ी जाती हैं व इन्ना जहन्नमद अजमैन और बेशक जहन्नम ज़रूर उन सब के वादे की जगह है लहा लहासबात अबवाब लिकुल्लिबा बिन जुज उम मकसूम उसके सात दरवाज़े हैं हर दरवाज़े के लिए उनमें से एक तकसीम शुदा हिस्सा है अस्त अल्लाह की किताब में लिखा हुआ है कि कौन कौन किस दरवाज़े से एंटर होगा और याद रखिए जो लोग दरवाज़ों से एंटर होंगे वो कभी जहन्नम से बाहर नहीं आ सकेंगे लेकिन जो लोग पुलसरात क्रॉस करते हुए ईमान वाले होंगे लेकिन बुरे काम भी कर रहे होंगे अगर तोबा किए बग़ैर मर गए और गिर गए जहन्नम में ऊपर से तो फिर वो उस सतह पर होंगे जितना उनका गुनाह या कसूर होगा और फिर उसके मुताबिक सज़ा भुगत के वो निकल आएंगे इनके निकलने की उम्मीद है वो पूरी हदीस आपको सुनाई थी कि, कि कुछ लोग उतका और रहमान होंगे कि जिनको अल्लाह सुबहान जिन्होंने कोई नेक अमल नहीं किए होंगे लेकिन अल्लाह ताला अपनी एक किफ़ यानी किफ़ा यानी अपने एक लप कह लें या एक हथेली उससे उनको जहनम से निकाल देगा लेकिन जो दरवाज़ों से जाएंगे वो नहीं निकल पाएंगे वो कट्टे पक्के मुजरिम होंगे इन्नल अनुमत नफ़ी जन्नत और ये जो सात दरवाज़े हैं और फिर इसके दरजात भी हैं दर्जात तो जन्नत के हैं जहन्नम के दरक़ात है। हैं दरक़ात कहते नीचे, नीचे 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 गहराई में जो लेवल्स होते हैं एक होता है ना ऊपर को हाई रेज ऊपर जाते हैं और कुछ फिर नीचे आ, पार्किंग लॉट्स होते हैं और वो नीचे की से नीचे फ्लोर्स जा रहे होते हैं वो दरक़ात होते हैं यानी आपके लेवल से कुछ ऊपर और कुछ नीचे तो ऊपर जन्नत वाले और नीचे जहन्नम वाले तो मुनाफिकीन सबसे कहाँ होंगे सबसे निचले दर्जे में फिर असफल अब उनका जिक्र किया गया तो मुस्तीन की बात आ गई फी जन्नत व उयून बेशक मुतकी लोग बागों और चश्मों में होंगे उनसे कहा जाएगा इनमें सलामती और अमन के साथ दाखिल हो जाओ सलामती और अमन के साथ और उनके सीनों में जो भी कीना है हम उसे निकाल देंगे वो भाई भाई बने हुए आमने सामने ऊंची नशिस्तों पर बैठे होंगे यहाँ कीना निकालने के लिए लफ्स नज इस्तेमाल हुआ नज नज का माना होता है खेच के उखाड़ के निकालना तो इससे पता चलता है कि कीना और दुश्मनी दिल में कितनी गहरी जड़ें पकड़ लेती है कहाँ तक शरात कर जाती हम इंसान है ना कमज़ोर है बाजुकात हमारी किसी के साथ अनबन हो जाती है नाराज़गी हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसी समय कोई तकलीफ़ पहुंच जाती है वो हम अपने दिल में रख लेते हैं और जो जो वक्त गुजरता जाता है अगर माफ़ ना करें दिल से ना निकालें तो अपनी जड़ें बनाने लगती और फिर उसके साथ आप नेकियां भी बहुत कर रहे हैं खैर के काम भी बहुत कर रहे हैं अब जन्नत में जब इंसान जाने लगेगा तो कोई भी इंसान इस कीने के साथ एंटर नहीं होगा जब सारे मुसलमान पुल पार कर लेंगे जिसर यानी सिराथ, पुल सिरात जिसको कहते हैं तो उसके बाद एक जन्नत और पुल सिरात के बीच में जहन्नम के बीच में एक और पुली पुल ही होगी यानी छोटा पुल होगा और वहाँ नहरुल हयात होगी लोगों को वहाँ नहलाया धुलाया जाएगा पाक साफ किया जाएगा उनके कीने और बोग निकाल दिए जाएंगे उनके दिलों में उनके दिल बिल्कुल आईने की तरह साफ़ सुथरे चमकते होंगे लिहाजा अहल जन्नत जब जन्नत में जाएंगे तो भले दुनिया में उनके इख्त थे लेकिन वहां जाकर वहाँ जाकर वो आपस में भाई भाई होंगे और किसी के दिल में किसी के खिलाफ रत्ती भर भी कोई नफरत या अदावत या बुक्स या कीना नहीं होगा तब तो आप देखें कि एक ये है कि दुनिया में ही निकाल दें ठीक है या फिर तैयार हो जाए उस पुल पर रोके जाने के और वहां पर खींच के निकाला जाएगा क्योंकि जिस दिल में कुूरत होती है ना जिस दिल में नफरत होती है जिस दिल में बुग्ज होता है हसद होता है वो दिल कभी खुश नहीं होता उसको कोई खुशी नसीब नहीं होती उसके लिए बहुत बड़ा टॉर्चर होता है उसके पास दुनिया की हर नेमत होती है लेकिन वो फिर भी खुश नहीं होता क्योंकि उसके उसका दिल पकड़ा हुआ उसके दिल को बीमारी और रोग लगा हुआ है ये सारी बीमारियां हैं दिल की ये सारे रोग हैं तो इससे अपने आप को निकालना बड़ा ज़रूरी होता है यानी हर वो तरीका इख्तियार करें कि जिससे हमारे दिल साफ हो जाएं और हमारे दिलों से लोगों की नफ़रतें अदावतें और उनकी ख़िलाफ़ बदतमादी ये सब चीज़ें निकल जाएं ताकि दुनिया में भी हम चैन सुकून से रह सकें जिसका दिल साफ़ होता है उसके लिए दुनिया भी जन्नत बन जाती है और जिसका दिल गमगीन होता है उसके लिए नेमतें और आसाइशें होने के बावजूद उसकी जिंदगी जहन्नम बन जाती है अब देखिए कि ये जो आपस के अख्तिलाफ़ होते हैं आपस की एक दूसरे के खिलाफ कोई जिद कोई रंजश ये बाजुकत नेक लोगों में भी हो जाती है हजरत जैद और हजरत जैनब दोनों इंतहाई नेक थे और आपको दोनों बहुत प्यारे थे लेकिन उनके उनकी आपस में नहीं बनी तो ऐसा होता है हमारी हमारी जो रूहें हैं ना वो लश्करों की सूरत में थी जब पैदा की गई ना तो ग्रुप्स की शक्ल में थी जो वहाँ एक दूसरे को पहचान गए वो यहाँ आकर भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और जो वहाँ एक दूसरे से अजनबी रहे वो दुनिया में भी अजनबी रहते हैं चाहे उनके साथ रिश्ता या ही क्यों ना कायम हो जाए वो उन उनके साथ उनकी आपस में नहीं बनती लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि वो बुरे लोग होते हैं दोनों दोनों इंतहाई नेक मुत्तकी पारसा हो सकते हैं लेकिन फॉर सम रीज़न दोनों के मिजाज नहीं मिलते अब किसी न किसी तरह औखे के ज़िंदगी गुजार ली हुँ? अब जन्नत में भी जाहिर है इन्हें साथ रहना है <laughs> तो ज... क्योंकि जो मियाँ बीवी दुनिया में ईमान की हालत में दोनों फौत हुए वो जन्नत में भी साथ होंगे ठीक है अब वहाँ साथ रहना था वो कहेंगे फिर दोबारा उन्हीं के साथ जिनसे सारी ज़िंदगी जलते कुटते रहे लिहाजा उनको पाक साफ कर दिया जाएगा उनके दिलों की सारी क़दूरतें निकाल दी जाएंगी और उनको एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट कर दिया जाएगा कि उनकी आपस की खुशियाँ और राहतें सब कायम हो जाए लाइ मसू हम फी हा न सब उन ना उन्हें वहाँ कोई थकावट छुएगी और ना ही वो उससे कभी निकाले जाएंगे नेवर कभी नहीं निकलेंगे हमेशा का घर दुनिया में जहाँ चाहें आप घर बना लें कभी तो रेंट पे होते हैं तो मालिक निकाल देते हैं और कभी आपका अपना होता है तो आपका दिल भर जाता है आप उसको बेच देते हैं कभी यहाँ रह रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं कभी कहीं मूव हो रहे हैं लेकिन जन्नत में इतना अच्छा ठिकाना होगा ला अनहा अनहावला वो वहां से टलना ही नहीं चाहेंगे हिलना ही नहीं चाहेंगे कहीं और मूव होना ही नहीं चाहेंगे अल्लाह हमें वहां ले जाए, उन्हें कोई थकावट छुएगी, अल्लाह कोई थकावट नहीं होगी लेकिन वो थकावट कब नहीं होगी जब आज आप अल्लाह के रास्ते में थकेंगे तरावी में लहल में रोजे में काम घर के काम काज करने में लोगों की खिदमत करने में दो आराम कट्ठे नहीं हो सकते और दो थकावटें भी इकट्ठी नहीं हो सकती यानी अगर आप दुनिया में सिर्फ आराम ही कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे न दिन का ना दुनिया का तो आप ख़तरे में हैं और अगर आपने यहाँ थकावटें उठा ली तो आगे के लिए आसानियाँ हो जाएंगी दुनिया में हर शख्स दुख मुसीबत मशक्कत और थकन में यानी थकन का शिकार है दुनिया की सारी जिंदगी मेहनत और मशक्क़त की है यहाँ हर खुशी के साथ हर लज्जत के साथ कोई ना कोई मेहनत और कोई ना कोई कदूरत भी है लेकिन वहां नहीं वहां ना कोई बीमारी है ना तकलीफ है ना बुढ़ापा है ना मौत है न बे इबादी अन्नी अनल अनगफ़ूर रहीम मेरे बंदों को खबर दे दीजिए कि मैं बहुत बख्शने वाला बहुत रहम करने वाला हूँ और बेशक मेरा अजाब भी दर्दनाक अजाब है नब, नबा से है खास और अहमियत वाली खबर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज क्या यानी अच्छी तरह ये बात बता दें कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान भी है बख्शिश भी फरमाने वाला है और उसके साथ साथ दर्दनाक अजाब देने वाला भी है ताकि वो उम्मीद के साथ खौफ भी रखें क्योंकि ईमान इन दोनों के दरमियान में है उम्मीद और खौफ़ के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम ने फरमाया अगर मोमिन जान ले कि अल्लाह के पास कितनी अकूबत यानी सज़ा है तो कोई उसकी जन्नत की उम्मीद ना रखे और अगर काफिर जान ले कि के पास किस कदर रहमत है तो कोई उसकी जन्नत से ना उम्मीद ना हो व नब हमज़ीफ़ इब्राहिम और इन्हें इब्राहिम के मेहमानों के बारे में ख़बर दे दीजिए जब वो उसके पास दाखिल हुए तो उन्होंने सलाम कहा उसने कहा हम तो तुमसे खौफज़दा हैं क्योंकि वो खाना नहीं खा रहे थे पीछे पड़ चुके हैं उन्होंने कहा डरो नहीं हम तुम्हें एक बहुत इल्मे लड़के की खुशखबरी दे रहे हैं उसने कहा क्या तुम इस हाल में मुझे खुशखबरी दे रहे हो कि मैं बुढ़ापे को पहुँच चुका हूँ तो तुम किस बात की खुशखबरी दे रहे हो उन्होंने कहा हम तुम्हें हकीकी खुशखबरी दे रहे हैं बस तुम मायूस होने वालों में शामिल न हो उसने कहा वकना तुम रहमत और अपने रब की रहमत से गुमराहों के सिवा कौन मायूस हो सकता है सिर्फ भटके हुए लोग ही मायूस होते हैं जो सीधे रस्ते पर हो वो रब की रहमत से उम्मीद रखते हैं वो मायूस नहीं होते खालू इनासलना इलाकोम मुजरमिन उन्होंने कहा हम एक मुजरिम जी कलफम खतबरसलून उसने कहा ऐ भेजे हुए फ़रिश्तों तुम्हारा और क्या अहम काम है क्योंकि उनको समझ आ गई थी कि फ़रिश्ते सिर्फ खुशखबरी लेके नहीं आए फरिश्ते अमूमन किसी बड़ी मुहिम पर आते हैं उन्होंने कहा हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं सिवाय आले लूत के हम उन सब को जरूर बचा लेंगे सिवाय उसकी बीवी के हमने तय कर रखा है कि जरूर वो पीछे रह जाने वालों में से है फिर जब वो भेजे हुए फरिश्ते आले लूत के पास पहुंचे उसने कहा बेशक तुम अनजान मालूम होते हो उन्होंने कहा नहीं बल्कि हम तेरे पास वो अजाब लाए हैं जिसमें ये शक कर रहे थे और हम तेरे पास हक लेकर आए हैं और बेशक हम सच्चे हैं बस तुम अपने घर वालों को रात के एक हिस्से में ले चलो और ख़ुद उनके पीछे पीछे चलते रहो और तुम में से कोई एक भी पीछे मुड़ कर न देखे और जहाँ और जहाँ का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है वहीं चले जाओ लूत सलाम को पीछे चलने का हुक्म क्यों दिया गया ताकि वो उनकी अच्छी तरह हिफाजत कर सके कि कोई पीछे ना रह जाए और वो मुसलसल चलते रहें ठहर कर आने वालों का इंतज़ार न करना पड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में पीछे रहते थे कमज़ोरों को आगे चलाते और सवारी पर अपने पीछे बिठाते और उनके लिए दुआ फरमाते आप बच्चों के साथ कभी वॉक पे निकले आप तेज़ चलते हैं और बच्चे ऐसा चलते हैं कभी कहीं खड़े हो जाते हैं कभी कुछ देखने लगते हैं अगर दो हों तो कभी आपस में लड़ने लगते हैं कभ? तो आप उनसे आगे तेज़ ना चलिए आप उनको हमेशा अपने आगे रखिए यह सुन्नत समझ कर कीजिए और मुड़ के देखने से क्यों मना किया गया क्योंकि पीछे आने वाला था। और इंसान मुड़ के किसी चीज को क्यों देखता है कब देखता है हस मोहब्बत से जहां इतनी जिंदगी गुजरी हो जब उस जगह को छोड़ा जाता है जैसे नबी अलैहि वसल्लम ने मक्का को छोड़ा था तो पीछे मुड़ के देखा था ना वो तो मक्का था इसलिए देखा लेकिन ये अजाब वाली जगह हो रही थी तो इसलिए मना किया गया यानी कहीं तुम्हारा दिल वापस उसमें ना जाए क्योंकि इंसान जब अपनी पसंद की चीज़ को देखता है तो फिर क्या करता है उसके उसके निकलने में कमज़ोरी हो जाती कहता है मसलन आप घर से निकले बच्चा रो पड़ा तो आप क्या करेंगे अच्छा मैं नहीं जाती तो रात यह है कि तुम किसी और तरफ मुतवज्जे ना हो बस अब निकले हो वहाँ से तो निकल पड़ो अल्लाह के जिक्र और शुक्र करते जाओ तुम्हारी रफ्तार में कोई कमी ना हो कौम की बर्बादी देख कर तुम्हारा दिल उन पर ना पसीजे और हमने उसकी तरफ ये बात पहुंचा दी कि सुबह होते ही उन लोगों की जड़ काट दी जाएगी और उस शहर के रहने वाले खुशियां मनाते हुए आ पहुंचे लूत सलाम के पास यस तब बहुत खुश हो रहे थे यानी लूत सलाम के घर नहायत खूबसूरत लड़कों के आने की खबर सुन के बेअ्तियार खुश हो दौड़ते हुए आ रहे थे उसने कहा ये लोग मेरे मेहमान हैं लिहाजा तुम मुझे रसवा न करो और अल्लाह से डरो और मुझे जलील न करो उन्होंने कहा क्या हमने तुझे जहान वालों से मना न किया था यानी हमने कहा ना था कि हमारे होते हुए अजनबी मुसाफिरों को मेहमान न बनाया करो और हमारे मुकाबले में किसी की हिायत न करो उसने कहा ये मेरी कौम की बेटियां हैं अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो इनसे निकाह कर लो लाहरु का इनहम लफ़ी सकरत हिम या आपकी ज़िंदगी की कसम बेशक वो अपने नशे में अंधे हो रहे थे मुफसरीन कहते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की कसम खाई और आपकी इतनी इज़्ज़त अफजाई की कि आपके अलावा किसी इंसान की ज़िंदगी की कसम नहीं खाई ब अजत मुसीत मशर व सूरज तुलु होते ही एक चंगाड़ ने उन्हें पकड़ लिया फिर हमने उसके ऊपर का हिस्सा उसका निचला कर दिया और हमने उन पर पकी हुई मट्टी के पत्थरों की बारिश बरसाई बेशक इसमें अहल फरासत के लिए कई निशानियाँ हैं और बेशक वह बस्तियाँ एक आम गुजरगाह पर वाक़ हैं बेशक इसमें मोमिनों के लिए एक बड़ी निशानी है और बेशक एका वाले बड़े ालिम थे बादजल कहते हैं कि और कबीला एक था और जंगल लिया और बेशको बस्तियाँ एक खुली गुजरगाह पर बाकी थी और बेशक हिजर वालों ने भी रसूलों को झुटलाया और हमने उन्हें अपनी निशानियाँ दी लेकिन वो उनसे एराज करते रहे और वो बेखौफ होकर पहाड़ों में घर तराशते थे तो सुबह सवेरे उन्हें भी एक चिंगाड़ ने पकड़ लिया तो जो कमाई वो करते थे वो उन्हें कुछ भी काम ना आई और हमने आसमानों और जमीन को और जो इन दोनों के दरमियान है हक के साथ पैदा किया यानी एक हमत के साथ एक मकसद के साथ और बेशक क़यामत ज़रूर आने वाली है बस आप हुसन ख़ूबी के साथ दरगुजर कीजिए जिस शख्स को आखरत की फिक्र होती है ना वो लोगों से नहीं उलझता वो उनके साथ बहस करके वक्त ज़ाया नहीं करता वो अपने काम पर फोकस रखता है कि जिंदगी मुख्तसर है इन्ना खल्लाकुल कालीम बेशक आपका रब ही सबको पैदा करने वाला खूब इल्म रखने वाला है और बेशक हमने आपको बार बार दोहराई जाने वाली सात आयात और अजमत वाला क़ुरान अता किया है सात आयात सूरत फातिहा की आप अपनी निगाहों को हरगिज इस सामान्य जिंदगी की तरफ उठा कर भी न देखिए जो हमने इनमें से मुख्तलिफ लोगों को दिया है और न इन पर गम कीजिए और मोमिनों के लिए अपने बाजू झुकाए रखिए यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनियावी चीजों को ना देखने का हुक्म दिया जा रहा है ताकि आप इससे बेहतर और अजीम चीज की तरफ देख सकें जो लोग बहुत ज़्यादा दुनियावी चीज़ों में गुम हो जाते हैं हर वक्त दुनिया दुनिया शॉपिंग शॉपिंग नए से नई चीज़ें ख़रीद रहे हैं तो अमूमन फिर उनके पास वक्त नहीं रहता वो कायनात में गौर व फिक्र करें वो अल्लाह की किताब में गौर व फ़िक्र करें वो दुनिया के सामान में ही उलझे रहते हैं तो जितना मुख्तर सामान ज़िंदगी हो उतना ही इंसान ज़्यादा फोकस्ड होता है और फिर आप देखिए कि दुनिया की चीज़ों पर हैरान भी नहीं होना चाहिए और दुनियावी जीनत की चीजें जो हैं ये तो जल्द खत्म हो जाएंगी खत्म नहीं होती तो आउटडेटेड हो जाती हैं एंटीक हो जाती हैं उसकी बजाय आखरत के बजायत आखरत में फायदा देने वाले आमाल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और कह दीजिए बेशक मैं तो खुल्लम खुल्ला खबरदार करने वाला हूं जैसे हमने तकसीम करने वालों पर उतारा जिन्होंने पढ़ी जाने वाली किताब को टुकड़े टुकड़े कर दिया यानी कुछ को माना कुछ को माना ही नहीं बसाब के रब की कसम हम इन सब से जरूर सवाल करेंगे उसके बारे में जो वो किया करते थे बस दबिमात उमर व आर मुशरिकीन बस जो हुक्म आपको दिया जा रहा है इन्हें खोल कर सुना दीजिए और मुशरिकों से एराज कीजिए बेशक हम आपको मजाक उड़ाने वालों के मुकाबले में काफ़ी हैं जो अल्लाह के साथ दूसरा मबूद बना लेते हैं बस अनकरीब ये जान लेंगे और यकीनन हम जानते हैं कि बेशक आपका सीना इन बातों से तंग होता है जो ये बनाते हैं बस आप अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह कीजिए सजा करने वालों में से हो जाइए तो सीने की तंगी का इलाज लोगों की बातों से दिल पे जो घुटन होती है उसका इलाज तस्बीह में है तस्बीह का मतलब होता है अल्लाह हर ऐब हर नक्स और हर ऐसी चीज से पाक है जो उसके लायक नहीं और हमद का माना होता है कि वो तमाम सिफात कमाल के साथ रास्ता है और हम उसकी तारीफ तम उन तमाम सिफात के साथ करते हैं जो उसकी शान के लायक हैं तो इसमें आप देखिए कि अगर इंसान बहुत तंग हो जाए लोगों की बातों से फजूल बहसों से तो दो काम कीजिए बस तो सब बेहमद रब रब की तस्वी तस्बी पकड़ लीजिए और सुबह अल्लाहदिल्लाकबर और तस्बीहात का कार्ड भी है आपको मालूम है उसमें हर तरह की लिखी और ये तस्बीह जो है ये अगर इंसान दुश्मन से खौफ खाता है तो उस उसके लिए भी फायदा देती नहीं खौफ का इलाज भी है ये तस्बीह और दूसरा काम वकुमदीन तयब्री तो मुसीबत और तंगी में ये दो काम करने हैं और सजदे का खास तौर पर यहाँ क्यों जिक्र किया गया क्योंकि सजदे में इंसान सबसे ज़्यादा अपने रब के करीब होता है तो तकलीफ़ और परेशानी के वक्त नफल पढ़ के सजदे में जाकर क्या करें दुआ करें ताकि अल्लाह ताला उस तकलीफ़ को दूर कर दे और ये सिर्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं बल्कि ये तो उम्मतियों के लिए भी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत फातिमा आई थी ना कि चक्की पीसने और मशक में पानी ढोने की वजह से वो बहुत थक जाती हैं तो कोई खादिम उन्हें दिया जाए तो आपने उनको क्या दिया था तस्बीहात तस्बीहात का नुस्खा दिया था आप भी आजमाइए इसी तरह एक है। जो शख्स रात से खौफ खाए कि वो उसे परेशान करेगी कुछ लोगों को डिप्रेशन होने लगता है ना मगरिब के साथ ही तबीयत खराब होने लगती है या माल खर्च करने से बुखल करे सदका नहीं ज्यादा कर सकता दिल बकील है या दुश्मन से मुकाबला करने से डरे तो चाहिए कि वो इस कौल की कसरत कर दे सुबह अल्लाह वमदही क्योंकि ये अल्लाह के नज़दीक सोने का पहाड़ अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से ज़्यादा महबूब है किसके पास हिम्मत है कि सोने का पहाड़ खर्च करे? और सुबह शाम सूर्य निकलने से पहले और सूर्य गरूब होने से पहले सौ दफ़ा इसकी तस्वीर कर लेना तमाम गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया भी है बाबुद रब का हत्या या अतीकल यक़ी और आप अपने रब की इबादत करते रहिए यहाँ तक कि आपके पास यकीन यानी मौत आ जाए यानी मौत आने तक अपने रब की इबादत पर कायम रहें बस और जगहों पर भी यकीन का लफ्स मौत के लिए आता है जैसे हत्ता अतान यकीन इसे पता चलता है कि जब तक होश रहे मरने वाले को नमाज़ फ़र्ज रहती है और इंसान बीमारी में भी खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो बैठ के या लेट के जैसे भी हो इशारों से और आपने देखा होगा कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो उनको ऑक्सीजन भी लगी होती हैं और वो हाथ उठा रहे होते हैं और नमाजें पढ़ रहे होते हैं कौमे में भी नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं सूरत नाहल ये सूरत नाम भी है क्योंकि क्योंकि इसकी इब्तदा में अल्लाह ने अपनी नेमतों के असूल और उसके कवायद बयान किए हैं और इसके आखिर में वो उमूर बयान किया जो इनकी तकमील करते हैं <गया> अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा बस तुम उसे जल्दी ना मांगो वो वो पाक और बुलंदतर है उससे जो ये शरीक ठहराते हैं अमरुल्ला से मराद क्यामत यानी करीब आ चुकी है या फिर मुख्तलिफ किस्म के अजाब का नजूल भी है क्योंकि वो अजाब का मुतालबा करते थे तो उन्हें उन्हें कहा गया कि तुम जल्दी मत करो यहाँ आ चुकी आ गई माजी का का इस्तेमाल किया गया है जब कि कोई चीज बहुत करीब होती है तो आप समझो कि हो गई अब मसला आपको कोई काम कहता था आप समझो बस हो गया हु? यानि आप यकीन रखें कि ये होगा ही होगा और यहाँ मुसलमानों को भी तसल्ली दी जा रही है क्योंकि बाज उनमें से भी ये चाहते थे कि अल्लाह का आज़ाब जल्द आए और ये दुश्मन ख़त्म हो जाए वो फरिश्तों को अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म से वही के साथ उतारता है कि तुम लोगों को ख़बरदार करो कि मेरे सिवा कोई मबूद नहीं बस तुम मुझी से डरो और मलाइा से मुराद यहाँ जबरील और उनके साथ वही के मुहाज पर हैं और सिर्फ जबरील भी मुराद हो सकते हैं और रूह से मुराद वो चीज़ है जिससे ज़िंदगी हासिल होती है यहाँ मुराद वही है क्योंकि हकीकी ज़िंदगी तो इसी से ही हासिल होती है दिल की ज़िंदगी भी और आखरत की ज़िंदगी भी वही के दो बड़े फ़ायदे हैं ना कुरान सुन्नत के क्या एक दुनिया में इस दिल को ज़िंदा रखती है तो इस ज़िंदगी को भी इंसान इंजॉय करता है और दूसरा मरने के बाद आखिरत में हमेशा के लिए कामयाबियों का जीना है उसने आसमानों और ज़मीन को हक के साथ पैदा किया है वो बुलंदर है उससे जो ये शरीक ठहराते हैं यहाँ अल्लाह ताला तौहिद और कुदरत के बेशुमार दलाल बहुत अनोखे अंदाज से बयान किए जाएंगे अब यहाँ से आगाज़ हो गया है फरमाया कि उसका कोई शरीक नहीं क्योंकि वो खालिक है और ज़मीन और आसमान की हर हस्ती और हर चीज़ मखलूक है तो जिसे अल्लाह ने हक़ के साथ पैदा किया मकसद के साथ पैदा किया बेकार नहीं तो फिर इंसान को क्या करना चाहिए उसकी तख्लीक की हिकमतों पर गौर करता रहे खल़ल इंसान अमिन न इज़ा हुआ खसीम उमुबीन उसने इंसान को एक नुतफ़े यानी कतरे मनी से पैदा किया फिर यक़ायक वो वह खुल्म झगड़ने वाला है और उसने चौपायों को पैदा किया अब देखें सबसे पहले इंसान की तख्लीक़ है फिर अनाम की तकलीफ़ अब गौर करते जाइए बहुत सी चीज़ों की तख्लीक़ का जिक्र आएगा बहुत सी नेमतों का ज़िक्र होगा और उसी ने चौपायों को पैदा किया जिनमें तुम्हारे लिए गरमाइश का सामान है और कई दूसरे फ़ायदे भी हैं और इनमें से तुम खाते हो अम से बराज गाय भेड़ और बकरियां हैं और इनकी जो ऊन होती है खाल होती है उससे बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं यानी ख़ास तौर पर यानी कि उससे इंसान अपने विंटर ड्रेसेस बनाता है और दीगर भी बहुत से मुनाफे हैं उन पर सवारी भी होती है इनके ज़रिए हल चलाए जाते हैं यानी के बाज को सवारी के काम लाते हैं जैसे ऊँट है बैल है इनसे पानी खींचते हैं और इसके अलावा भी खाने में इस्तेमाल होते हैं इन्हें गोश्त दूध दही ये सारी चीज़ें जो ज़रूरत की हैं इनसे हासिल होती हैं और इनमें तुम्हारे लिए खूबसूरती का सामान है जब तुम शाम के वक्त चरा कर लाते हो यानी सुबह भूखे होते हैं ना तो मैं मैं करके जा रहे होते हैं इधर उधर सर मारते वो इतना खूबसूरत मंजर नहीं होता जितना शाम का होता है क्योंकि उस वक्त उनके पेट भरे होते हैं और जब तुम सुबह के वक्त चराने को ले जाते हो यानी जा, ले जाने का एक और मंज़र है और वापसी का एक और मंजर है और जमाल की एक सूरत यह भी है कि वो दुनिया की दौलत है देख के जो मालिक है वो खुश होता है कि बकरियां हैं कि फैलती ही चली गई और रेवड़ बड़े से बड़ा होता चला गया और वो तुम्हारे बोझ उस शहर तक उठा ले जाते हैं जहां तुम जाती मशक्क़त के बगैर पहुंचने वाले न थे बेशक तुम्हारा रब यकीनन बहुत शफकत करने वाला नहाय रहम करने वाला है और घोड़े और खच्चर और गधे उसी ने पैदा किए ताकि तुम इन पर सवारी करो और वो सामान्य जीनत भी है और वो पैदा करेगा जो तुम नहीं जानते अब ये जो घोड़े और खच्चर हैं खास तौर पर इनकी बहुत दादा होती है और कभी आ कहीं इनको खड़ा भी देखें तो इन, इनका इनके अंदर एक खास हुसन होता है और नबी अलैहि वसल्लम फरमाया कि घोड़े की पेशानी से क़यामत तक के लिए खैर बांध दी गई है तो यहाँ पर आ, अनाम में इनका जिक्र नहीं किया अलग से इसीलिए बाज़लम कहते हैं कि घोड़े खच्चर गधे का गोश खाना हराम है खच्चर गधे का तो वाज़े है लेकिन घोड़े के बारे में इख्तिलाफ़ है बाद कहते हैं हलाल है बाद कहते नहीं और फिर वही अखलू उमा ये तो वो पैदा कर चुका लेकिन वो और भी बहुत कुछ पैदा करता है जिसका तुम्हें इल्म नहीं यानी अब उस ज़माने में इन तीन चीज़ों से सवारी और बारबरदारी का काम लिया जाता था और आज आप देखें कि कम्युनिकेशन के कितने जराए हमारे सामने आ चुके हैं और अभी और कितने आएंगे अल्लाह ही बेहतर जानता है और सीधा रास्ता दिखाना अल्लाह ही के जिम्मा है और इनमें से कुछ तेरे, और इनमें से कुछ रास्ते टेढ़े भी हैं और अगर वो चाहता तो जरूर तुम सबको हिदायत दे देता वही है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा जिससे तुम पीते हो और उसी से दरख्त उगते हैं जिनमें तुम जानवर चराते हो वो तुम्हारे लिए इस पानी के जरिए खेती जैतून खजूर के दरख्त अंगूर और हर किस्म के फल उगाता है। बेशक इसमें यकीनन एक निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर और फिक्र करते हैं एक ही पानी एक ही जमीन एक ही हवा और एक ही सूरज लेकिन तरह तरह की नबाता तरह तरह के फल और उसने तुम्हारे लिए रात और दिन और सूरज और चांद को मुशर किया है और उसके हुक्म से सितारे मुशक्र किए गए हैं बेशक इसमें यकीन निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं तस्खीर का मतलब होता है किसी चीज़ को उसका इख्तियार और मर्ज़ी ख़त्म करके अपना ताबे बना कर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना तो यहाँ अल्लाह सुबहान इंसानों के लिए मुसखर किया कि इंसान इनसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ायदे उठा सकें और उसने तुम्हारे लिए जो कुछ ज़मीन में फैला दिया है उनके रंग मुख्तलिफ़ हैं ये उन लोगों के लिए निशानी है जो नसीहत हासिल करते हैं जरा का मतलब होता तो है बखेरना फैलाना यानी तवाल तनासु के जरिए फैलाना इसी से जरूरीत लफ्स है आदम और हब्बा उतरे थे और बेशुमार नस्लें इंसानी ज़मीन भर में फैल चुकी है इसी तरह हर तरह के हैवाना फैल गए पौधे बेशुमार ये अल्लाह की तौहीद की बड़ी बड़ी निशानियों में से है और वही है जिसने समुंदर को मुशर किया ताकि तुम उसमें से तरोताज़ा गोश्त खाओ और उसमें उस... और तुम उसमें से जेवरात निकालो जिन्हें तुम पहनते हो और तुम कश्तियों को देखते हो जो उसे चीरती हुई चलती हैं ताकि तुम उसका फजल तलाश करो और ताकि तुम शुक्र अदा करो तो अल्लाह ताला ने समुंदर को इंसान के लिए मुती बना दिया वरना जितनी बड़ी वो ताकत है और जिस तरह वो बिफरता है अगर वो बिखरता चला जाए तो इंसान जिंदा ना रह सके ज़मीन पर लेकिन किस तरह आप अगर समुद्र के किनारे खड़े होकर देखते रहें बड़ी से बड़ी तेज लहरें आती हैं और एक जगह आती है कि आकर वो सबमिट कर कर देती है, कर देती है, आगे नहीं बढ़ती इतना ज्यादा पानी होने के बावजूद किस तरह कश्तियां आराम से उसमें चलती हैं और उसने जमीन में पहाड़ गाड़ दिए ताकि तुम्हें ताकि वो तुम्हें लेकर ढलक ना जाए और उसने जमीन में पहाड़ गाड़ दिए कि वो तुम्हें लेकर ढलक ना जाए और नहरें और रास्ते बना दिए ताकि तुम रह पा सको और अलावा बनाई और सितारों के जरिए वो रह पाते हैं क्या भला वो जो पैदा करता है उसकी मानंद हो सकता है जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकता क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते यानी ये सब नेमतें जो जिक्र हुई हैं सभी को पता है कि अल्लाह ने पैदा हैं लेकिन जिन्हें तुम पुकारते हो उन्होंने तो कुछ भी पैदा नहीं किया वो तो एक मक्खी का पर तक नहीं बना सकते तो फिर तुम उनकी पैरवी क्यों करते हो तुम उनकी परस्तिश क्यों करते हो क्योंकि इलाह तो खालिक होता है ना रब होता है और अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनने लगोगे तो इन्हें गिन ना सकोगे और अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनने लगो, तो इन्हें गिन ना सकोगे बेशक अल्लाह ही बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है अल्लाह की नेमतें हमारे शुमार से बाहर हैं हमारी गिनती खत्म हो जाए लेकिन नेमतें खत्म नहीं होती लेकिन इंसान बड़ा ही ना है कि वो इन नेमतों की कदर नहीं करता और अल्लाह जानता है और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो अल्लाह के सिवा कोई भी सब लोगों के अमाल नहीं जान सकता Never. अमाल तो दूर की बात जो जाहिर में यानी कल्ब के अमाल तो दूर की बात जो जाहिर के अमाल हैं वो भी सब नहीं पता होते हमें अपने बच्चों का नहीं पता होता हमारे माँ बाप को हमारा नहीं पता होता था चंद चीज़ें जो जाहिर ज़ाहिर हैं जितनी देर हम उनके सामने हैं वो उन्हें पता है स्कूल में हम क्या कर रहे हैं कहीं खेल के मैदान में क्या कर रहे हैं हर वक्त तो वो हमें नहीं देख सकते और वो अल्लाह के सिवा जिन्हें पुकारते हैं और वो अल्लाह के सिवा जिन्हें पुकारते हैं वो कोई चीज़ पैदा नहीं कर सकते बल्कि वो खुद पैदा किए जाते हैं ला युखल नशै अम वम मुर्दे हैं जिंदा नहीं हैं और वो शौर नहीं रखते कि वो कब दोबारा उठाए जाएंगे यानी इससे मुराद मुर्दा लोग हैं जिनकी मुशरक लोग इबादत करते थे और एक और जगह पर आता ना ये मज़मून और जगहों पर भी आता है यहाँ पर क्या आ रहा है या वशरू न अया न युबासून और वह शौर नहीं रखते कि वह दोबारा कब उठाए जाएंगे ये शौर किस में होता है जमादात में है वन में इंसानों में तो इससे क्या पता चलता है कि लोगों ने इंसानों को भी अपना रब बना रखा है उनको भी इसी तरह पूछते हैं और उनकी भी ऐसी हितात करते हैं जैसी अल्लाह की करनी चाहिए और कुछ लोग तो जिंदा छोड़े मुर्दों को अपना रब बना के बैठे हुए हैं उनकी कब्रों में जो दफन है वो समझते है कि ये अंदर जिंदा है और हम जिंदों को पुकार रहे हैं तो यहाँ से क्या पता चल गया यहाँ से क्या पता चल रहा है ओ अम्बा जो मर गया वो मर गया दोबारा ताक़ीदन का मुर्दा है जिंदा है नहीं जिंदा नहीं है क्यों समझते वो जिंदा है और उनको तो ये भी नहीं पता कि दोबारा क़यामत कब आएगी और हम यहाँ से कब उठेंगे तो इसमें कबर परस्ती का वाज रद्द है और मबूद के लिए तो ये सब कुछ जानना बड़ा जरूरी होता है इसलिए अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं कोई इलाह नहीं इलाहु वाहिद तुम्हारा माबूद तो बस एक ही मबूद है तो वो लोग जो आखरत पर ईमान नहीं लाते उनके दिल इनकारी हैं और वो तकबर करने वाले हैं المستكبرين वा कोई शक नहीं कि यकीन अल्लाह जानता है जो कुछ ये छुपाते हैं और जो कुछ ये जाहिर करते हैं बेशक वो तकबर करने वालों को पसंद नहीं करता और जब इनसे पूछा जाता है तुम्हारे अपने वो कहते हैं कहानियां हैं फलों की कुरान को इन्होंने बेअसल झूठी कहानियां और अफसाने बना दिया और ये दरअसल उनका तकबर था तकबर की वजह से ऐसा कहते थे ताकि वो क्या और अल्लाह ताला उन्हें क्यों करने दे रहा है ये सब क्यों कहने दे रहा है लिया मिलू अवजारो मल्आम

उनके भटकने का बबाल भी चखेंगे उनके गलत कामों की सज़ा भी इनके हिस्से में आएगी ठीक है क्योंकि इन्होंने उनको भी भटका दिया गलत बातें करके याद रखिए दीन के बारे में दीन वालों के बारे में जब आप कोई ऐसी बातें करते हैं कि लोग उनसे मुतनफ़िर हों तो उसका नुकसान क्या होता है लोग दीन से दूर भाग जाते हैं तो फिर ऐसा करने वाला भटकाने वाला खुद भी सजा पाएगा और उन्होंने जो भटक के गलत काम किए उनकी भी सज़ा मिलेगी कदम कर यकीन इनसे पहले के लोगों ने भी चालें चली थी तो अल्लाह उनकी इमारत की बुनियादों से आया तो उनके ऊपर से छत उन्हीं पर गिर पड़ी और उन पर से वहाँ और उन पर वहाँ से अजाब आया जहाँ से वो शौर भी ना रखते थे यानी किसी इमारत की अगर बुनियाद गिरा दी जाए तो वो इमारत बाकी नहीं रहती फिर क्यामत के दिन वो इन्हें रसवा करेगा और फरमाएगा कहाँ है मेरे वो शरीक जिनके बारे में तुम झगड़ते थे तो वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया कहेंगे आज के दिन सारी रसवाई और बुराई काफिरों पर है रसवाई जो होती है ना ये जिसमानी अजाब से भी बढ़ के होती है क्योंकि बाजुकत आपको कोई तकलीफ हो रही होती है लेकिन आपके, आपके चेहरे पर उसके आसार नहीं आते कुछ तकलीफों कुछ लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं छोटी छोटी चीजें भी उनकी उनके चेहरा बदल जाता है एकदम न इंसान देखने वाला महसूस कर लेता है लेकिन ये जो रसवाई है ये तो है ही जाहिर यानी इसके आसार पूरे जिसम और चेहरे पर वाजे होते हैं तो कोई छुपा ना सकेगा अल्लादीन हुमला इकतलमी अनफुस हिम वो लोग जिन्हें फरिश्ते हाल में फौत करते हैं कि वो अपनी जानों पर जुल्म कर रहे होते हैं तो वो फर्माबरदारी पेश करते हैं कि हम कोई बुरे काम नहीं कर रहे थे क्यों नहीं बेशक अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम किया करते थे यह मुश्त की मौत का मंजर बताया जा रहा है और उसकी कैफियत भी कि जब उनकी रूहें कब्ज कर करी जाती हैं तो वो बहुत आजजी का मुजाहरा करते हैं और इसे भी पता चलता है कि मरते ही इंसान को अजाब की खबर दे दी जाएगी हदीस में भी आता है फिर अगर वो गुनागार आदमी हो तो फरिश्ते कहते हैं ए खबीस रूह निकल जो ख़बीस जिसम में रही काबिल मजम्मत होकर इसमें से निकल खोलते हुए पानी और कांटेदार खाने की खुशखबरी कबूल कर और इसके अलावा दीगर अनवा अनवाकसाम के अजाब की खुशखबरी भी कबूल तो करो और उसके सामने ये जुमले बार बार दोहराते हैं यहाँ तक कि रूह निकल जाती है फद खुलू अब बाबा जहन्नमिदी फीह बस जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ इसमें हमेशा रहने वाले हो बस कितना बुरा ठिकाना है तकबर करने वालों का यानी मौत के फौरन बाद जहन्नम में दाखला, और जब तकबा वालों से कहा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल फरमाया तो वो कहते हैं बहुत बड़ी खैर जिन लोगों ने इस दुनिया में अच्छा किया उनके लिए दुनिया में भी अच्छाई है और आखिरत का घर बहुत बेहतर है और कितना अच्छा घर है तकवा वालों का तो इसमें खुशखबरी दी जा रही है कि सच्चे मोमिनों के लिए दुनिया में भी सुकून और इत्मीनान है अहसनू फ़ी हाजी दुनिया हसना अच्छा करने वालों को इस इस दुनिया में भी अच्छा मिलेगा वलदारत खैर दुनिया कितनी भी अच्छी हो दुनिया ही है घटिया ही है असल घर तो आख़रत है और वो कितना अच्छा घर है मोमिनों का हमेशगी के बाग़ात हैं जिनमें वो दाखिल होंगे उनके नीचे से नहरें बह रही होंगी जो कुछ वो तलब करेंगे उनके लिए उसमें मौजूद होगा तकवा वालों को इसी तरह बदला देगा तकवा वालों को अल्लाह इसी तरह बदला देगा वो जिन्हें फरिश्ते इस हाल में फौत करते हैं कि वो पाक साफ होते हैं वो कहते हैं सलाम हो तुम पर जन्नत में दाखिल हो जाओ दाखिल हो जाओ जन्नत में उन आमाल के बदले जो तुम किया करते थे तो इससे पता चलता है कि मौत के वक्त जो फरिश्ते आते हैं वो आते ही कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं अच्छे फरिश्ते अच्छी खुशखबरी लाते हैं और फिर आप यहां देखिए कि इस हाल में के तय्यबीन थे यानी उनके दिल अल्लाह की मार्फत और मोहब्बत से लबरेज थे जबान अल्लाह के जिक्र से यानी कि तर थी उनकी जबान अल्लाह के जिक्र से तर थी और वो अल्लाह की इतात के काम कर रहे थे और याद रखिए कि जब मौत आते हैं और पाक रूह के पास आते हैं तो कहते हैं कि ए पाकिजा नफ्स अल्लाह की मखफ़रत और रजामंदी की तरफ चलो अब वो खुश हो जाता है इंसान हम सबको वो वक्त याद रखना चाहिए और उसको इमेजिन भी करना चाहिए और उसके लिए दुआएं भी करनी चाहिए कि अल्लाह खैर का वक्त लाए हम सब के लिए पर एक और बात यह कि तयबीन पाक साफ होते हैं आपने देखा होगा कि कुछ नेक लोगों के बारे में ही पता चलता है कि जब उनकी मौत का वक्त आया तो उन्होंने कहा हमें वजू करा दो साफ़ सुथरा कर दो नहा लिया उन्होंने और वो अपने साथ कोई निजात लगी हुई नहीं रहने देते तो ये दोनों तरह की पाखीज़ है अंदर की पाखीज़ की भी और बाहर की पाखीज़ की भी तो इसमें हम सब के लिए सबक है कि बाज़त लोग ऊपर से तो बहुत साफ़ सुथरे हो जाते हैं लेकिन अपनी अंदरूनी नापाकियों की सफाई नहीं करते तो उस उसका भी एहतमाम करना चाहिए सही तौर पर इस्तजा करना चाहिए सिर्फ टिशू पेपर ही काफ़ी नहीं बस अहले कोबा की तारीफ़ अल्लाह कुरान में क्यों की उनके पानी से तहारत करने की वजह से लेकिन अगर पानी से तहारत कर रहे हैं और मेक श्योर करना चाहते हैं कि कोई चीज़ साथ नहीं रही तो फिर टिशू पेपर इस्तेमाल कर लीजिए लिहाजा उन्होंने जो अमल किए सॉरी हलअर इका क्या ये इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके पास फरिश्ते आ जाएं या आपके रब का हुक्म आ जाए इसी तरह उन लोगों ने भी किया था जो इनसे पहले थे और अल्लाह ने इन पर कुछ नहीं किया लेकिन ये ख़ुद अपनी जानों पर जुल्म किया करते थे लिहाजा उन्होंने जो अमल किए उसके बुरे नतज उन्हें आ पहुँचे और उन्हें उस चीज़ ने घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाते थे और जिन लोगों ने शिरक किया वो कहते हैं अगर अल्लाह चाहता तो हम उसके सिवा किसी और चीज़ की इबादत न करते न हम और ना ही हमारे आबाव और न हम उसके हुक्म के सिवा किसी चीज़ को हराम करार देते इनसे पहले के लोगों ने भी इसी तरह किया था तो रसूलों के जिम्मा तो सिर्फ खुल्लम खुल्ला पैगाम पहुंचा देना ही है तो यहाँ बुनियादी तौर पर तकदीर को बहाना बनाने वालों का रद्द किया जा रहा है कि वो लोग जो नेक काम इसलिए नहीं करते कि हमारी किस्मत में नहीं लिखा भाई तुमने अपनी तकदीर कहाँ से जा पढ़ी थी लोहे महफूज तुम्हारे सामने खुली हुई है कि तुमने वहां से पढ़ लिया था कि तुम्हें अल्लाह ने तोफीक नहीं दी इस काम के करने की तो ये सिर्फ बहाने होते हैं जो नेक काम ना करने के और बुरे कामों की तरफ जाने के लेकिन अगर यही दलील कोई दूसरा शख्स उसके मुकाबले में पेश करे जिसने उसका कोई हक अदा ना किया हो या उसका कोई अज़ीज़ कत्ल किया हो या उसका कोई माल छीन लिया हो या उसकी बीवी की इज़्ज़त लूटी हो तो वो ये दलील कभी भी नहीं कबूल करेगा कि हाँ मेरी तकदीर में लिखा था उसको कत्ल करना लिहाजा मैंने कर दिया अपना पूरा हक हाँ वसूल करेगा लेकिन अल्लाह का हक हाँ नहीं देता और बंदों का नहीं देता तकदीर का बहाना करके तो ये सरासर गलत बात है और बिला हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो तो उनमें से बाज ऐसे थे जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी और उनमें से बाज वो थे जिन पर गुमराही साबित हो गई लिहाजा ज़मीन में चलो फिरो फिर देखो झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ तावूत जो है ना ये तागी से है तो यानी भी इसी से है जिसका मतलब होता है अपनी हद से आगे बढ़ना और इससे मुराद यानी यह लफ्ज़ बोला जाता है शैतान पर बातिल मबूद पर और हर उस शख्स पर जो गुमराही की तरफ दावत देने वाला हो जैसे शैतान यानी सबसे तो पहले तागुत से मुराद शैतान ली जाती है तो शैतान का काम क्या है बुराई की तरफ दावत देना तो जो इंसान आपको बुरे रस्ते की तरफ बुलाए वो भी तागुत ही है अगर आप इनकी हिदायत पर हरीस हैं तो अल्लाह उसे कभी हिदायत नहीं देता जिसे वो गुमराह कर दे और उनके लिए कोई मददगार भी नहीं और वो अल्लाह की पक्की कस्में खा कर कहते हैं कि जो मर जाता है अल्लाह उसे दोबारा नहीं उठाएगा कस्में खा के कहते हैं आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो क़यामत का इनकार करते हैं क्यों नहीं ये उसके जिम्मा सच्चा वादा है लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं ताकि वो उनके लिए वो चीज़ वाजे कर दे ताकि वो इनके लिए वो चीज़ वाजे करते जिसमें ये अख्तलाफ कर रहे हैं और ताकि जिन्होंने कुफ्र किया वो जान लें कि यकीन वो झूठे थे बेशक जब हम किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो हमारा इस बारे में ये तो हमारा उसके बारे में ये कहना होता है कि हो जा तो वो हो जाती है कन फ़ैक लिहाजा दुआ मांगते हुए भी कहा करें या अल्लाह तेरे लिए कुछ कुछ भी मुश्किल है तो कौन फ़ैकून सिर्फ तेरे कौन कहने की देर है, तेरे ईज़न की देर है तेरी तौफीक चाहिए तेरी मदद चाहिए तू ही करने वाला है और जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद अल्लाह की राह में हिजरत की है यकीनन हम उन्हें दुनिया में भी अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का अजर यकीनन बहुत बड़ा है काश वो जानते होते यानी काश कि वो इल्म रखते तो ईमान ले आते और महाजिर अगर हिजरत की फ़जीलत जानते होते तो बहुत खुश होते और जिन्होंने हिजरत नहीं की वो फजीलत जानते होते तो हिजरत कर लेते तो जो अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ देता है उसके बदले में अल्लाह ताला उसको उससे पहले से भी ज़्यादा बेहतरीन देता है और ये आज़मा के देख लीजिए तजुर्बा करके देख लीजिए का ऐसा होता है किसी चीज़ पर आपका हक होता है दूसरा कसम खा के कहता नहीं ये मेरी आप झगड़ा छोड़ देते हैं किसकी खातिर सिर्फ़ अल्लाह की खातिर, अल्ला की खातिर। कि अगर मैंने ये झगड़ा किया तो ये रिश्ता ही कट जाएगा कतरहमी हो जाएगी अल्लाह आपको उससे बेहतर देगा वम मिन शैइन फहुवा लिफो जो भी तुम खर्च करते हो तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसके पीछे और ले आएगा अल्लादीन सबरू वब यह तवक्ल वो लोग जिन्होंने सब्र किया और अपने रब ही पर वो तोल करते हैं सब्र और अल्लाह पर तोल ये दो चीज़ें हों तो ही इंसान के अंदर हिजरत करने की सलाहियत पैदा होती है वरना बंदा मुस्तबिल के खौफ से अपना घर छोड़ कर कहीं और नहीं जाता कि वहाँ खाऊँगा कहाँ से और क्या होगा खौफ और अंदेशों का शिकार रहता है और हमने आपसे पहले भी मर्दों को ही रसूल बनाकर भेजा था जिनकी तरफ हम वही करते थे बस अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से पूछ लो जिक्र मुराद है यहाँ यहूद नसारा क्योंकि अहले किताब थे ना वाज दलाइल और सहीफों के साथ और हमने ये जिक्र आपकी तरफ उतारा है आप देख रहे हैं इस बारे में बार बार जिक्र का लफ्स किताब इलाही के लिए आया है ठीक है तो जब हमें ज़िक्र करने के लिए कहा जाता है ना तो उससे मुराद सिर्फ़ तस्बी वगैरह नहीं होती और आन पढ़ना भी ज़िक्र है वाजे दलाइल और सहीफ़ों के साथ और हमने ये जिक्र आपकी तरफ उतारा है ताकि आप लोगों को वाजे कर दें जो उनकी तरफ नाजिल किया गया है और ताकि वो गौर व फिक्र करें क्या फिर जिन्होंने बुरी चालें चली वो इससे बेखौफ़ हो गए हैं कि अल्लाह उन्हें ज़मीन में धंसा दे या उन पर वहां से अजाब आ जाए जहां से उन्हें वहमो गुमान भी ना हो तो अगली तीन आयत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान के ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों के लिए चार किस्म का अजाब बताया गया है पहला कि इस बात से बेखौफ़ है कि अल्लाह उनको ज़मीन में धंसा दे और उनका नाम व निशान बाकी ना रहे आपने देखा होगा कि जगहों पर जब खसफ़ होता है ज़मीन फटती है जलजले से लोग उसमें गिर जाते हैं घर के घर गिर जाते हैं और फिर दोबारा जलजिले का झटका आता है और ज़मीन वापस मिल जाती है और वो अंदर उनकी डीप डाउन कब्रें बन जाती हैं अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे एक क्लिप मैंने देखा था जिसमें हाईवे पर ऐसा ही हुआ लोग तेज़ गाड़ियाँ दौड़ाते दौड़ा रहे थे और वो गाड़ियां नीचे खाई में जा रही थी दूसरा असाब उन्हें ऐसी जगह से आप पकड़े जहां से वो सोचते भी ना हो जिसका कभी उनके दिल में ख्याल भी ना गया हो गुमान भी ना हो या तीसरा या वो उनके चलते फिरते उन्हें पकड़ ले तो वो अल्लाह को हरगिज आजिज़ करने वाले नहीं यानी ज़िंदगी के मसरूफियात में सफ़र करते हुए कहीं आते जाते काम काज के दौरान और चौथी खुज हमला तखवु या वो उन्हें खौफ की हालत में पकड़ ले लेकिन तुम्हारा रब यकीनन बहुत शफकत करने वाला नहाय रहम करने वाला है यानी अल्लाह के लिए किसी को पकड़ना अजाब देना सजा देना कुछ मुश्किल नहीं ये सिर्फ उसकी ढील है जो उसने बंदों को दी हुई है क्या वो अल्लाह की पैदा करदा चीजों में से किसी चीज की तरफ नहीं देखते कि उसका साया ही के लिए सजदा करते हुए दाएं और बाएं झुकता है इस हाल में कि वो सब आजी का इजहार करने वाले हैं यहाँ अल्लाह ताला की और तो किबरियाई का बयान है कि हर चीज उसके सामने झुकी हुई है मुती है जमादात हो, हैवानात हो जिन्नो इंस हों मलाइका हो हर वो चीज़ जिसका साया हो साया भी झुका हुआ है तो यहाँ उन लोगों के लिए एक डांट है जो झुकते नहीं जो नमाज नहीं पढ़ते जब सारी कायनात अल्लाह की फरमाबरदारी में मसरूफ़ है हर साया तक अल्लाह के आगे झुकता है तो फिर इंसान क्यों नहीं झुकता और तमाम जानदार अल्लाह ही के लिए सजदा करते हैं जो आसमानों और जमीन में है और फरिश्ते भी और वो तकबर नहीं करते जमीन में मौजूद चीजों के सजदा करने के जिक्र के बाद तमाम जानदारों के सजदे के जिक्र अब यून रबाहम क्यों सजदा करते हैं क्यों झुके हुए क्यों आजी करते हैं वो अपने रब से डरते रहते हैं जो उनसे ऊपर है और जो हुक्म वो दिए जाते हैं उसे बजा लाते हैं और अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम दो माबूद न बनाओ बेशक माबूद तो सिर्फ वो अकेला ही है बस तुम मुझे से डरो दो क्यों यानी जब दो नहीं बन सकते एक से दो नहीं हो सकते तो ज़्यादा कहाँ से बन सकते हैं इसका मतलब नहीं कि दो नहीं बनाओ तो तीन बना सकते हो नहीं दो भी नहीं बना सकते एक वो एक या एक से ज्यादा कुछ नहीं और आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है और उसी की इतात लाजिम है क्या फिर तुम अल्लाह के सिवा औरों से डरते हो और तुम्हारे पास जो भी नेमत है बस वो अल्लाह ही की तरफ से है अल्लाह फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसी से तुम फरियाद करते हो या नेमत नकरा है यानी तुम्हारा वजूद हर चीज़ आ जाती है इसमें तुम्हारा वजूद सेहत आफियत माल औलाद छोटी बड़ी कोई भी नेमत वजूद तो एक वजूद है ना वजूद के अंदर बेशुमार नेमतें हैं फिर इसी तरह कोई चीज़ हम खाते हैं तो वो खाने से एक पेट तो भरता है उसके साथ वाली बेशुमार ज़रूरियात हमारी पूरी होती हैं फिर जब तुमसे वो तकलीफ़ हटा देता है तो यका यक तुम में से कुछ लोग अपने रब के साथ शरीक ठहराने लगते हैं ताकि ये उसकी नाशुकरी करें जो हमने इन्हें दिया है सो तुम फायदे उठा लो पसंद करीब तुम जान लोगे इंसान बड़ा ही नाशुकर है नेमतें पाकर फिर अपने रब को भूल जाता है शुक्र नहीं करता और शिरकत करने लगता है और जो रिस्क हमने इन्हें अता किया है उसमें से ये उन बुतों के लिए एक हिस्सा मुकर करते हैं जिन्हें ये जानते भी नहीं अल्लाह की कसम तुम जरूर ही सवाल किए जाओगे उसके बारे में जो तुम घड़ा करते थे कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं, नहीं। बनात सुबह और ये अल्लाह के लिए बेटियां तजवीज करते हैं पाक है वो और अपने लिए वो जिसकी ये ख्वाहिश रखते हैं यानी अपने लिए तो बेटियां पसंद नहीं करते और अल्लाह के लिए अगर औलाद बनाई भी जो कि है नहीं तो वो भी बेटियां अरब के बाद कबीले जो थे वो फरिश्तों की इबादत करते थे और फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहा करते थे और ये जुल्म पर जुल्म है और जब इनमें से किसी को लड़की की खुशखबरी दी जाती है तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है और वो गम के घूट पी रहा होता है यानी लड़की की पैदाइश की खबर सुनकर सारा दिन गमगीन रहता है और गम से भरा हुआ होता है इजहार नहीं करता लेकिन लोगों से छुपता फिरता है उस बुराई की वजह से जिसकी वो ख़बर दिया गया उस बुराई की वजह से जिसकी ये ख़बर दिया गया वो अपनी कौम से छुपता फिरता है सोचता है क्या इसे जिल्लत के साथ रख ले या इसे मट्टी में दबा दे खबरदार कितना बुरा है जो फैसला ये करते हैं अल्लाह के नज़दीक लड़के लड़की में कोई फ़र्क नहीं ये अरबों की नाइंसाफी और जहालत का जिक्र है यानी यहां ये ना समझे कि अल्लाह ताला भी लड़कों के मुकाबले में लड़की को हकीर और कमतर समझता है। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज़्ज़त वाला वाला वो है जो वाला है। जो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके लिए बुरी मिसाल है और अल्लाह के लिए सबसे बुलंद मिसाल है और वो बहुत जबरदस्त खूब हमत वाला है और अगर अल्लाह लोगों को और अगर अल्लाह लोगों के जुल्म की वजह से उनको पकड़ने लगे यानी उनके गुनाहों की वजह से तो इस ज़मीन पर कोई जानदार ना छोड़े लेकिन वो उन्हें एक मुकर मुद्दत तक के लिए मोहलत दे रहा है फिर जब उनका मुकरर वक्त आ जाता है तो ये एक घड़ी ना पीछे रह सकते हैं और ना आगे बढ़ सकते हैं यानी अल्लाह सुबहान तकमत और मसलियत का तकाज़ा है कि फ़ौरी तौर पर ना पकड़े उसने पकड़ने का एक वक्त मुकर किया हुआ है और जब वो वक्त आएगा तो फिर किसी को भी नहीं छोड़ेगा और ये अल्लाह के लिए वो तजवीज करते हैं जिसे ये खुद ना पसंद करते हैं और इनकी ज़बानें झूठ बयान करती हैं कि इनके लिए भलाई है कोई शक नहीं कि इनके लिए आग है और बेशक ये उसमें सबसे पहले पहुंचाए जाने वाले हैं आग में अस्तगफुरुल्लाह अल्लाह की कसम यकीनन हमने आपसे पहले बहुत सी क़ौमों की तरफ रसूलों को भेजा था मगर शैतान ने उनके अमाल को उनके लिए ख़ूबसूरत बना दिया बस वही आज भी उनका दोस्त है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है और हमने आप पर यह किताब इसलिए नाजिल की है ताकि आप इनके लिए हर वो चीज़ वाजे कर दें जिसमें इन्होंने इख्तलाफ़ किया है और ये इन लोगों के लिए और ये उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं हिदायत और रहमत है यानी नबी अलैहि वसल्लम पर कुरान के नज़ुल का मकसद यहाँ बताया जा रहा है पहली उम्मतों की तरह उस वक्त भी जो लोग शैतान के फंदों में गिरफ्तार थे उनके इख्तलाफ का फैसला यह किताब ही करेगी और अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा फिर उसके साथ जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा कर दिया यकीनन उन लोगों के लिए इसमें निशानी है जो सुनते हैं सुनने की भी जरूरत होती है और सुनने में अल्लाह की किताब और अल्लाह की निशानियों का जिक्र और यह खास तौर पर पानी की नेमत की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। जो जिंदगी की असल है क्योंकि हर चीज उसी से बनी और बेशक तुम्हारे लिए मोशी जानवरों में भी बड़ी इबरत है यानी सबक है हम तुम्हें उसमें से जो उनके पेटों में है गोबर और खून के दरमियान से खालिश दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए खुशगवार है यानी दूध अल्लाह की अजीम नेमत और निशानी है किस तरह जानवर क्या खाते हैं और क्या बाहर निकालते हैं और फिर बे फरसिन व दमिन गोबर और खून के दरमियान में से खालिज दूध निकलता है भला कोई इंसान दुनिया में ऐसी कोई चीज बना के दिखाए यानी एक ही चारा खा रहे होते हैं उसी से खून बनता है उनके जिस्म के लिए उसी से उनकी सिक्रिशन यानी जो वेस्टफुल चीज़ होती है वो निकल जाती है। और उसी चारे से दूध बन जाता है कितनी हैरत अंगेज़ बात है अगर इंसान इस पर गौर करे और वो भी मखसूस जानवरों का दूध होता है गाय वगैरह का जो इंसानों के काम आता है फिर उसमें से मेल जो मर्जी खाए वो दूध नहीं बना सकते फीमेल तो को अल्लाह ने इस आदत बख्शी और खजूर और अंगूरों के फलों से तुम नशा आवर चीज बना लेते हो और उम्दा रिस्क भी हासिल करते हो बेशक इसमें उन लोगों के लिए एक निशानी है जो अकल रखते हैं यहाँ शराब की हुरमत से पहले शराब के बारे में नापसंदीदगी का इजहार किया गया है कि अल्लाह ने तो रिस्कन हसना उतारा है और तुम उससे सकर बना लेते हो नशा आवर चीज़ व आहार बुका नहल और आपके रब ने शहद की मक्खी की तरफ वही की कि पहाड़ों में और दरख्तों में और उन बेलों में जो वो ऊपर चढ़ाते हैं घर यानी छत्ते बना लो वही का असल माना होता है खुफिया इशारा जो तेज हो इशारा सरिया ख़िया खुफिया तरीके से बात पहुँचा देना जो दूसरा न समझे किसी और को पता ना चले तो यहाँ मुराद है अल्हाम वही का पैगंबरों पैगम्बरों के लिए आता है और इल्हाम बाकी मखलूक के लिए है और नहल को नहल क्यों कहा गया क्योंकि ये अल्लाह का खास अतिया है जैसे आता ना वातः सदका नहला बतौर अतिया खुश दिली से दो गिफ्ट मनी यानी जो शादी के मौके पर मर्द को देनी होती है तो अल्लाह ताला ने हर मखलूक की फितरत में ही इल्हाम रखा हुआ है यानी एक तो वही इलाही से हमें हिदायत मिलती है दूसरे अल्लाह ने हमारे अंदर भी जो फितरत अगर मशक़ नहीं होगी तो अंदर से भी कुछ आवाज़ें उठती हमारी थाट प्रोसेस ऐसी होती है अब देखिए कि ख्यालात हर ख़्याल हर इंसान के अंदर उठते हैं कहा जाता है कि दिन में स, एक इंसान के जहन से सत्तर हज़ार ख्याल गुजरते हैं कुछ इख्तियारी होते हैं कुछ गैर इख्तियारी होते हैं कुछ भी आपका इख्तियार नहीं होता जैसे बस वगैरह अचानक ही आ जाते हैं लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में आप खुद अपनी मर्जी से सोच रहे होते और सोचे चले जाते हो और एक ट्रेन चलाए चले जा रहे होते पत्नी कहाँ कहाँ से गुजरते हैं वादियों जंगलों से और बैठे कहीं होते हैं और सवार किसी और जगह पे होते हैं सफ़र कहीं और कर रहे होते हैं तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि हर नफ्स के अंदर अल्लाह ने इल्हाम रखा हुआ है जो उसकी सही चीज़ की तरफ रहनुमाई करता है अगर वो सही माहौल में हो आप देखें कि इंसानों को तो अल्लाह ने फितरत के अंदर भी इल्हाम दिया और उसके साथ वही इलाही भी दी इसके बावजूद वो इख्तियार की वजह से गलत काम करते हैं लेकिन बाकी सारी मखलूक फ़ित्र हिदायत की पाबंद है वसन जानवरों को देख लें जब उनका पेट भर जाए तो एक लुकमा भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे हम हमारा पेट भरा हुआ भी हो और अगर कोई ऑफर करे कोई चीज़ हाँ ये तो मुझे बहुत पसंद वो भी खा लेंगे इतने में कोई और कुछ लेके आ जाएगा वो भी खा लेंगे ना फितरत से सबक न सुन्नत से सबक आप देखिए कि गधा जिसे सबसे ज्यादा कुन जेन समझा जाता है फितरी हिदायत के तहत बच्चे को भी सवार कर लेता है और पानी का नाला आने पर ठहर कर अंदाजा करता है अगर पार कर सकता हो तो छलांग लगाता है वरना नहीं लगाता उधर ही ठहरा रहता है लेकिन इंसान का फितरत का पाबंद नहीं होता और बहुत दफ़ा धोखा खा जाता है गलती करता है शहद की मक्खी को इल्हाम किया फिर कहा फिर हर तरह के फलों में से खाओ फिर अपने रब के हमवार रास्तों पर चलती रहो चलती रहो चलती रहो सुबूला की, सुबुला रब्बी की धुल्हा इसकी एक पेंटिंग मैंने अपने कमरे में लगाई हुई थी पाकिस्तान में ये मुझे आयत बहुत हिम्मत दिलाती थी कि रब के रास्ते पर अगर निकले हैं तो वह चलती रहो रुकना नहीं इस्तिकत इख्तियार करो फसलू की सबुला रबी की धुल्ह रब के हमवार रास्तों पर चलती रहो इनके पेटों से ऐसा शरबत निकलता है जिसके मुख्तफ रंग हैं, इसमें लोगों के लिए शिफा है बेशक जो लोग गौर वफिक्र करते हैं उनके लिए यकीनन इसमें एक निशानी है अब यहाँ शहद की मक्खी किस तरह काम करती है कैसे शहद बनाती है इसकी तफ़ीलत आप ख़ुद भी कहीं से मालूम कर सकते हैं लेकिन ये सारी तफ़ील माइंड ब्लोइंग है कि एक छोटा सा कीड़ा उड़ने वाला कितनी बेहतरीन चीज़ प्रोड्यूस करता है बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाए और पोल्यूशन फैलाए हमारी जो वो चीज़ें जो फैक्ट्रीज़ में बनती हैं वो क्या कर रहे हैं और शहद की मक्खी जिस पूल पे बैठी है उसको भी नुकसान नहीं देती बस ज़रूरत की चीज़ वहाँ से ले लेती है और फिर रास्ता नहीं भूलती वो खा के हजम नहीं कर जाती उसको सेव करती है और फिर असल जगह ला के डालती है और फिर उसको कन्वर्ट करती है शहद में उस सारे जो जूस होता है और यहाँ पर शराब का लफ्ज़ आया मशरूब के मानों में शहद असल में पीने की चीज़ है ठीक है चाहे वैसे पी लें चाहे गोल के पी लें दूध में पानी में फल जूस में ड्रिंक में चाय में जिस मर्ज़ी में अच्छा आप देखिए कि शहद की मक्खी वैसे काटती है लेकिन वो प्रोटेक्शन के लिए कि मुझे कोई छेड़े ना मेरा बहुत बड़े बहुत काम है मेरे छेड़ोगे तो फिर खैर नहीं <laughs> मैं मसरूफ़ हूँ तुम फारग हो तुम्हें मक्खियां मारने के सिवा कोई काम नहीं हम्म तो जहरीला कीड़ा है लेकिन उसके पेट में हमारे लिए मशरूब है अल्लाह अकबर मीठा जिससे हम और चीजों को मीठा करते रहते हैं और बहुत सी दवाइयां भी इससे बनती हैं ये ये सब कुछ खुद से तो नहीं हो रहा ना किसी ने मक्खी को पैदा किया और उसके अंदर कुछ इलाम के तुमने करना क्या सारी प्रोग्रामिंग कर दी अब वो ऑटो पे है और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है फिर वही तुम्हें फौत करेगा और तुम में कोई ऐसा भी है जो सबसे नाकारा उम्र की तरफ फेर दिया जाता है ताकि बहुत कुछ जानने के बाद भी कुछ ना जाने बेश खूब इल वाला खूब कुदरत वाला है यहाँ इंसान की जिंदगी के मुख्तलि मरहल बताए गए हैं नबी वसल्लम अर्जल अरजमर से पनाह मांगते थे जिसमें इंसान कुछ जानता नहीं वो क्या कहाँ है कुछ बूढ़े ऐसे होते हैं ना उनको ये भी नहीं पता होता <coughs> कि वो कहाँ रह रहे हैं अपने घर में यह किसी होम में है क्या खा खिलाया जा रहा उनको कौन आया कौन गया नाम तक भूल जाते हैं अपनी औलाद को नहीं पहचानते तो इन्नी हर नमाज के बाद ये दुआ मांगनी चाहिए यह कम से कम कुछ नमाजों के बाद तो ज़रूर मांगें जिसमें आता है वह आउजन और अल्लाह ही ने तुम्हें और अल्लाह ही ने तुम में से एक को दूसरे पर रिस्क के मामले में फजीलत है तो जो लोग फजीलत दिए गए हैं अपना रिस्क अपने गुलामों की तरफ लौटाने वाले नहीं हैं कि ये सब उस रिस्क में बराबर हो जाए क्या फिर ये अल्लाह की नमत का इनकार करते हैं यानी तुम अपने गुलामों को अपने रिस्क और इख्तियार का कोई हिस्सा नहीं देते अपने बराबर नहीं करते तो इंसान हो के तुम अल्लाह के बराबर हो इंसानों को और मखलूक को अल्लाह के बराबर करार देते हो और अल्लाह ने और अल्लाह ने ख़ुद तुम ही में से तुम्हारे लिए बीवियाँ पैदा किं हो आदम की पसली से पैदा की गई थी और तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे लिए बेटे और पोते पैदा किए और उसने तुम्हें पाकिजा चीज़ों में से रिस्क दिया क्या फिर भी ये बातिल पर ईमान लाते हैं और अल्लाह की नहमत का इनकार करते हैं ये अल्लाह ताला के एहसानात में से एक बड़ा एहसान है कि इंसान की तन्हाई और बहशत दूर करने के लिए उसको साथी दिया मर्द के लिए औरत औरत के लिए मर्द और फिर दूसरा ये कि वो साथी उसकी जिन्स इंसान से दिया कोई जिन बूत नहीं कोई जानवर नहीं आदमी सलाम को जन्नत में रहने के बावजूद सुकून तभी हासिल हुआ जब उन्हें अपनी जिन्स से बीवी मिली हालांकि फरिश्ते भी फ़रिश्तों को भी उन्होंने देखा था लेकिन फरिश्ते तो फरिश्ते हैं और इंसान इंसान है और वैसे भी आप देखें कि इंसान इंसानों से ही मानूस होते हैं और ये अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो इनको आसमानों और ज़मीन में से रिस्क देने में किसी किसी भी चीज़ के मालिक नहीं हैं और ना ही ये इस्तात रखते हैं इन्हें दे ही नहीं सकते फ़ला तो बस तुम अल्लाह के लिए मिसालें बयान न करो बेशक अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते यानी बाज़ लोग कहते हैं ना कि जिस तरह बादशाहों के वजीर होते हैं और उनके थ्रू बादशाह तक जाते हैं तो इसी तरह हमने भी ये बुज़ुर्ग इसलिए बनाए हुए हैं कि इनके थ्रू हम अल्लाह तक जाते हैं तो बात दुनिया के बादशाहों और अल्लाह ताली में बहुत बड़ा फ़र्क है अल्लाह ने एक और मिसाल अल्लाह ने एक मिसाल बयान की है एक ममलूक ग़ुलाम की जो किसी चीज़ पर इख्तियार नहीं रखता और दूसरा वो जिसे हमने अपनी तरफ से उम्दा रिस्क अता किया है ये उसमें से पोशीदा और एलानिया खर्च करता है क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं बल्कि इनकी अक्सरियत इल्म नहीं रखती तो ये ग़ुलाम और आज़ाद की मिसाल है पहला शख़्स ग़ुलाम और दूसरा आज़ाद तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते बास कहते हैं ये मोमिन और काफिर की मिसाल है ये दोनों भी बराबर नहीं हो सकते और बास कहते हैं कि ये अल्लाह और बुद्ध यानी मबूदान बातला की मिसाल है तो कैसे दोनों बराबर हो सकते हैं यानी अगर ग़ुलाम और आज़ाद बराबर नहीं हो सकते तो मखलूक और खालिक कैसे बराबर हो सकते हैं और अल्लाह ने दो आदमियों की एक और मिसाल बयान की है इन दोनों में से एक तो गंगा है वो किसी चीज़ पर इख्तियार नहीं रखता बल्कि वो अपने मालिक पर बोझ है वो उसे जहाँ कहीं भेजता है वो कोई भलाई नहीं लाता क्या ये और दूसरा जो इंसाफ का हुक्म देता है और सीधे रस्ते पर है बराबर हो सकते हैं यहाँ पहली मिसाल से भी ज्यादा वाज मिसाल आ गई है कि एक आदमी जिसमें चार खामियाँ हैं नंबर एक यानी चार कमियाँ हैं चार कमजोरियाँ हैं नंबर एक ना सुनता है न बोलता है दूसरे ये कि कुछ कर भी नहीं सकता यानी चलो बोल नहीं सकता तो कोई हुनर ही उसके हाथ में हो हाथ पांव हिलाकर या सर पे कोई बोझ उठाकर कुछ कमा ही ले।, ले कुछ भी नहीं कर सकता तीसरा ये कि आज़ाद नहीं है ग़ुलाम है और गुलाम भी ऐसा बेकार कि मालिक ही को उसका सारा बोझ उठाना पड़ता है वो किसी काम का नहीं मालिक के सर पे एक चट्टी है चौथा ये है कि मालिक उसे किसी काम को भेजता है तो कोई काम नहीं करके आता उसको तो रास्ता भी नहीं पता होता कि जाना कहाँ है कहाँ तक कैसे पहुँचना वो काम करना कैसे है इसके मुकाबले में दूसरे शख्स में चार खामियों की बजाय दो खूबियाँ हैं वो लोगों को अदल का हुक्म देता है मतलब इससे पता चलता है कि सुनता और बोलता है समझता है वह हुआ अला से रात मस्तकीम सही तरीन रस्ते पर कायम है जो सबसे मुख्तर और मंजिल पर पहुँचा देने वाला है यानी वो ना किसी के लिए बोझ है ना रास्ते से सरासर वाकिफ़ ना वाकिफ तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं एक चार खामियों वाला एक दो खूबियों वाला बराबर हो सकता हरगिज़ नहीं इसी तरह खालिक और मखलूक भी बराबर नहीं हो सकते और आसमानों और ज़मीन के गैब सिर्फ अल्लाह ही के पास हैं और क़यामत का मामला तो आँख झपकने की तरह है या इससे भी करीब तर अल्लाह हर चीज़ पर खूब कुदरत रखने वाला है और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी बाँ के पेटों से इस हाल में निकाला कि तुम कुछ भी ना जानते थे और उसी ने तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल बनाए ताकि तुम शुक्र अदा करो अगर इंसान के पास कुछ भी ना हो ना और ये तीन फैकल्टीज हैं ना खाने को है ना पहनने को है ना ना सोने के लिए घर है कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं उसके पास लेकिन वो सुनता है बोलता है देखता है और उसका दिल है सोचता है समझता है तो वो अमीर तरीन इंसान है उसके पास बेशुमार नमतें हैं और इसी पर शुक्र अदा करना शुरू कर दे, तो अल्लाह ताली मजीद भी देगा और ये भी कि दुनिया में आने के बाद इंसान बिल्कुल लाइम होता है इसीलिए कुछ बच्चे जूते उठा के मुँह में डाल रहे होते हैं उनको नहीं पता होता ये कितनी गंदी चीज़ है फिर अल्लाह ताला इन फ़ैकल्टीज़ के ज़रिए इंसान को इल्म देता है आँखों और कानों से इल्म अंदर जाता है और दिल उसको महफूज करता है क्या इन्होंने परिंदों की तरफ़ नहीं देखा जो आसमान की फ़िज़ा में मुसख़र किए गए हैं इन्हें अल्लाह के सिवा कोई और थामे हुए नहीं है बेशक इसमें यक़ी उन लोगों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं जो ईमान लाते हैं और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को रहने की जगह बनाया और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को रहने की जगह बनाया और उसने तुम्हारे लिए मवेशियों की खालों से घर बनाए हैं जिन्हें तुम अपने सफर और अपने क्याम के दिन हल्का फुल्का पाते हो और उनकी ऊन उन और पशम और बालों से घर का सामान और एक मुकर्र वक्त तक फायदा उठाने की चीजें बनाई यहां घर की तारीफ की जा रही है इन रिहाइश से मतलक अल्लाह की नमतें हैं और घरों की एक हरमत भी होती है एक प्राइवेसी भी होती है इसीलिए लिए बिला इजाज़त किसी के घर में दाखिल होने और हती के झांकने से भी मना किया गया और तजस से भी और फिर चमड़े के खैमों को भी घर बताया जो सफ़र में आसानी के साथ साथ चलते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ती है उनको तान के धूप बारिश गर्मी से बचते हैं लोग और अल्लाह ने उन चीज़ों में से जो उसने पैदा की तुम्हारे लिए साय बनाए जैसे घर एक छात्र है ना साया है तो ऐसे ही और चीज़ों के भी साए हैं और उसने तुम्हारे लिए पहाड़ों में छुपने की जगह बनाई और तुम्हारे लिए कुर्ते बनाए जो तुम गर्मी जो तुम्हें गर्मी से बचाते हैं और ऐसे कुर्ते यानी जिरे भी जो तुम्हें तुम्हारी जंग से जो तुम्हें तुम्हारी जंग में बचाते हैं इसी तरह वो तुम पर अपनी नेमत पूरी करता है ताकि तुम फर्मा बन जाओ सरे तस्लिम खम कर दो अब यहाँ घर से बाहर की नियमतों का जिक्र किया गया है इन तवल फा इन नमा अलईकल बलाग फा इन नमा अलईकल बलागुलमुबीन फिर अगर ये मुंह मोड़ जाए तो बेशक आपके ज़िम्मे वाज़े पैगाम पहुँचा देना है ईमान की तोफ़ीक देना या ना देना यह अल्लाह के हाथ में है नेमत रू ना वह अक्सर हो मुल्ल ये अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं फिर उसका इनकार कर देते हैं और इनमें से अक्सर लोग ना हैं यानी जब अमली गुजारी का वक्त आता है तो इनकार कर देते हैं दिल जबान, जबान से कहते रहते हैं हम शुक्रगुजार हैं हम बहुत ग्रेटफुल हैं लेकिन अगर अल्लाह के ग्रेटफुल हैं तो फिर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी डालनी होगी और जिस दिन हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे फिर जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्हें माजरत करने की इजाज़त न दी जाएगी और न ना उनसे नाराजगी दूर करने का मुतालबा किया जाएगा ये गवाह कौन होंगे क़यामत के दिन हर उम्मत का पैगम्बर अल्लाह के सामने खड़ा होगा और उन तक हक पहुंचा देने की गवाही देगा और साथ ही ये भी बताया कि, कि कौम ने माना था या नहीं और पैग़म्बरों की वफ़ात के बाद जिन लोगों ने हक़ पहुँचाया वो ये शहादत देंगे कि हमने पैगाम पहुँचा दिया था इसीलिए कहते हैं ममा अलैना अलबला और जिन लोगों ने जुल्म किया जब वो अज़ाब देख लेंगे तो ना वो उनसे हल्का किया जाएगा और ना उन्हें मोहलत दी जाएगी जुल्म करने वालों से मुराद यहाँ मुशरकिन है क्योंकि जो मुहिदीन होंगे गुनाहों की सज़ा पाकर जहन्नम से निकल आएंगे या शफ़ात से या महज़ अल्लाह की रहमत से लेकिन जो मुजरमी हैं उनका अजाब हल्का ना किया जाएगा कोई बीच में वक़ा नहीं होगा कोई हॉलीडे नहीं होगी कुछ कुछ नहीं मुसलसल अजाब बल्कि वो बढ़ता ही जाएगा और वो लोग जिन्होंने शिर्क किया जब अपने शरीकों को देख लेंगे तो कहेंगे ऐ हमारे रब यही है हमारे वो शरीक जिन्हें हम तेरे सिवा पुकारा करते थे तो वो उन्हें जवाब देंगे कि बेशक तुम ही झूठे हो और उस दिन वो सब अल्लाह की तरफ फरमाबरदारी पेश करेंगे और वो उन सब और उनसे वो सब झूठ गुम हो जाएंगे जो वो घड़ा करते थे यानी जब मुशरक़ों के सब बहाने ख़त्म हो जाएंगे तो वो अल्लाह के सामने फरमाबरदार हो जाएंगे झुक जाएंगे लेकिन उस वक़्त कोई फ़ायदा ना होगा तो यहाँ मश्रकिन के साथ मुख्तलि मरल में मुख्तलि मामला करने की बात हो रही है क्योंकि क़यामत का दिन पचास हजार साल का है, तो कभी उनके साथ कुछ हो रहा होगा कभी कुछ कभी कुछ वो लोग जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह के और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका था वो लोग जिन्होंने कुफर किया और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका हम उन्हें अजाब पर अजाब बढ़ा कर देंगे उस फसाद के बदले जो ये किया करते थे यानी कुफार पर दोहरा अजाब होगा क्योंकि वो दोहरे मुजरम होंगे एक तो लोगों को अल्लाह के रास्ते रोकने से और फिर दूसरे खुद रुकने की वजह से और अहले के के लिए कई दर्जे हैं ना कई गड़े हैं और जिस दिन हम हर उम्मत में और जिस दिन हम हर उम्मत में से उन्हीं में से एक गवाह उन पर उठा खड़ा करेंगे और हम आपको उन लोगों पर गवाह बना कर लाएंगे और हमने आप पर हर चीज को खोलकर बयान करने वाली और हमने आप पर हर चीज को खोल कर बयान करने वाली किताब नाजिल की है और फर्माबरदारों के लिए हिदायत और रहमत और खुशखबरी है। बिल वल खबरी व इताई दिल कर्बाहा या बेशक अल्लाह तुम्हें अदल और एहसान करने और खराब दारों को देने का हुक्म देता है और बेहयाई बुराई और ज़्यादा करने से रोकता है वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम याद रखो ये बड़ी ही जामे आयत है जिसमें ये जुमे के ख़ुदबे में पढ़ी जाती है ना और ये इसमें तीन चीज़ों के करने का हुक्म दिया गया और तीन चीज़ों से मना किया गया है करने के काम इंसाफ करना या इतदा इख्तियार करना अल्लाह के बारे में ज़्यादी से बचना मखलूक के बारे में अदल करना और बाकी क्या है और, और सॉरी एहसान क्या है दूसरों के साथ नेकी करना अगर वो ना करें फिर भी करना और रिश्तेदारों को देना वक्त देना उनकी आदत करना उनके दिगर हुकूक अदा करना माली मदद के मोहताज हैं तो सबसे पहले उनका हक है कि उनकी मदद की जाए और तीन चीज़ों से मना किया गया कि फहशा खुली बुराई कभी ही बुराई और मुनकर जिस चीज़ से रोका गया हो जिसका इनकार किया गया हो और बगी सरकशी यानी दूसरों के हकूक पर दराजी और अल्लाह के अहद को पूरा करो जब भी तुम अहद करो और कस्मों को उनके पुख्ता करने के बाद ना तोड़ो हालांकि तुम अल्लाह को अपने ऊपर जामिन बना चुके हो बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो यानी अल्लाह को गवाह बनाकर जो बात तुमने कही अब उसको पूरा करना है अब तुम्हें उस पैमान को तोड़ना नहीं और तुम उस औरत की तरह ना हो जाओ जिसने अपना सूत मजबूत काटने के बाद टुकड़े टुकड़े करके तोड़ डाला कि तुम भी अपनी कस्मों को तोड़कर आपस में ज्यादा करने का बहाना बनाओ ताकि एक जमात दूसरी जमात से ज्यादा बढ़ी हुई हो बेशक अल्लाह तुम्हें इसके जरिए आज़माता है और यकीन वो क्यामत के दिन तुम्हारे लिए ज़रूर वो चीज़ें वाजे कर देगा जिसमें तुम इख्तलाफ करते थे यहाँ एक मिसाल बयान की गई है ज़रूरी नहीं कि वो औरत कहीं एग्ज़िस्ट भी करती हो लेकिन जो भी ये मिसाल सुनेगा उस वो सोचेगा कि किसका तरह अहमक औरत थी कि अपने सारे दिन की मेहनत सारे दिन की कमाई को खुद अपने हाथों से तोड़ फोड़ के रख देती थी तो इसी तरह जो लोग कस्बे खा के फिर कस्बे तोड़ते हैं वो भी क्या करते हैं अपने अमाल को ज़ाया करने का सबब बनते हैं और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता लेकिन वो जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है और जो कुछ तुम कर रहे हो उसके बारे में जरूर पूछे जाओगे जरूर पूछे जाओगे और अपनी कसमों को आपस के मामलों में धोखा देने का जरिया ना बनाओ कहीं कोई कदम अपने जम जाने के बाद फिसल ना जाए और तुम सजा का मजा चखो इस वजह से कि तुमने अल्लाह के रास्ते से रोका और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजाब हैफर यानी अगर इंसान झूठी कसम खाता है तो जो उसको देख रहा होगा वो शायद दीन से निकल जाए कि अच्छा ये मुसलमान ऐसे और फिर उनके भटकने का भी अजाब उसको होगा जिसने जिसने ये गलत काम किया होगा यानी तुम्हारी धोखा दही और बदहदी को देख के कोई शख्स मुर्तद ना हो जाए या तोड़ने वाला शख्स खुद में मुब्तला मुसलमानों को अहद शिकनी से रोका जा रहा है और तुम अल्लाह के अहद को थोड़ी कीम, थोड़ी कीमत के इवज मत बेचो और तुम अल्लाह के अहद को थोड़ी कीमत के इवज मत बेचो बेशक जो अल्लाह के पास है वो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो यानी अल्लाह का नाम लेके कसम खा के या अल्लाह के नाम से वादा करके अगर तुमने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर इसलिए उसको तोड़ दिया कि उसको तोड़ने में अब तुम्हारा फ़ायदा ज़्यादा है तो फिर ये जो कुछ कमाया ये मताय कलील है दुनिया का फ़ायदा बाक जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है और हम उन लोगों को जिन्होंने सबर किया उनके बेहतरीन आमाल का अजर जरूर देंगे जो वो किया करते थे हमने कभी सोचा कि हमारे पास क्या क्या है गिन सकते हैं सारी चीजों को जो इसके आप मालिक नहीं ना उसके लिए बड़ा वक्त चाहिए छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें और फिर वो चीज़ें नहीं सिर्फ जो हमारी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं वो भी हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं घर में जब मूविंग होती है तो फिर पता चल जाता है ना कि क्या कुछ इकट्ठा किया हुआ जी बहुत सी बेकार चीज़ है बहरहाल अच्छी चीज़ें या बुरी जो भी हमारे हाथ में सब मा इंदा को भी अनफत सब जाने वाला है सब ख़त्म होने वाला है और बाकी क्या है जो अल्लाह के पास रखवा दिया अपने हाथ से दे के जाना ही बेहतर है और जो सब्र करेंगे उनके लिए फिर उनके आमाल की बेहतरीन जजा है तो यहाँ अल्लाह ने कसम खाकर सबर देने सबर करने वालों को जजा देने का वादा किया है बाकसमिया है जो कोई नेक अमल करे खो वो मर्द हो या औरत इस हाल में कि वो मोमिन हो ईमान शर्त है तो हम ज़रूर उसे पाकिज़ा ज़िंदगी अता करेंगे और हम इन्हें इनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक इनका अजर ज़रूर अता करेंगे जो वो किया करते थे यहाँ पर आप देखें मर्द और औरत और दोनों का जिक्र किया गया है सिर्फ मर्दों का नहीं ताकि औरतें अपने आप को कमतर या महरूम ना समझें या कोई और उन्हें ऐसा ना समझे इस्लाम के अलावा ये इज्जत किसी और को नहीं यानी इस्लाम के अलावा कहीं औरत को ये इज़्ज़त नहीं मिली और हयात तय्यबा से बरात पाकिजा रोज़ी सच्ची इज्जत सुकून और इत्मीनान दिल का गनी होना अल्लाह की मोहब्बत ईमान की लज्ज़त सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जो इंसान को ईमान और अमल साले के बदौलत नसीब होती हैं और फिर दुनिया के साथ साथ आखरत की ज़िंदगी का सुकून भी है और फिर बज़ाति खुद नेक काम करने का एक अजर है एक मज़ा है यानी नेक काम करके इंसान को जो खुशी हासिल होती है वो बुरा काम करके हरगिज़ नहीं होती इसके बरक्स जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उनके बस दुनिया भर के सामान होते हैं, मगर उनका दिल फिर भी खुश नहीं होता और सिर्फ ज़बानी गलामी मानने की हद तक भी बात नहीं बनती जब तक के अल्लाह की पहचान ना हो कि वो है कौन वाकुर फस्तााहिशैन फिर जब आप कुरान पढ़ें तो शैतान मरदूज से अल्लाह की पनाह तलब कर लिया करें क्योंकि वो कुरान पढ़ते हुए भी बस बसे डालता है और बचाओ के जरिए भी इख्तियार करने चाहिए बेशक उसका कोई जोर उन लोगों पर नहीं चलता जो ईमान लाए और अपने रब पर तोक्ल करते हैं ईमान और तवक्ल के साथ ईमान और तवक्ल अगर इंसान के अंदर हो तो शैतान غالب नहीं आ सकता इबादी लई सल्का हिम सुल्तान अनेन तबाह कमिन तो शैतान जो है वह ईमान वालों को गुमराह करने की कोशिश से बाज़ नहीं आता और बाज़ लोग वक्ती तौर पर मुतासर भी हो जाते हैं मगर अल्लाह के डर से फिर वापस पलट आते हैं इनमां सुल्तानी मुश्कून बेशक उसका जोर तो उन लोगों पर चलता है जो उसे दोस्त बनाते हैं और जो उसकी वजह से शिरक करने वाले हैं यानी शैतान का जोर किस पे चलता है जो उसको दोस्त बना लेते हैं यानी उसकी हर बात मानने लगते हैं और उसको अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं या जो उसकी वजह से शिरक कर रहे होते हैं वो ईजाबदल न आयतन मकान आयतम और जब हम किसी एक आयत को दूसरी आयत की जगह बदल कर लाते हैं और अल्लाह खूब जानता है जो वो नाजिल करता है वो कहते तो वो कहते हैं बेशक आप तो खुद घड़ कर लाने वाले हैं बल्कि इनके अक्सर नहीं जानते यानी पहली आयत का हुक्म मनसूख करके नया हुक्म जब लाते हैं तो फिर ये बातें बनाते हैं और इनकी इनकी बातें बनाने की वजह क्या है कि ये बेल्म है और इसको अपने ज़ाती तजर्बे से देखिए जो लोग आपको जानते नहीं होते वही आपके खिलाफ बातें बनाते दीजिए कि इसे आपके रब की तरफ से कुदुस यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हक के साथ थोड़ा थोड़ा करके उतारा है ताके वो उन लोगों को साबित कदम रखे जो ईमान लाए और फर्मा बरदारों के लिए हिदायत और खुशखबरी हो तो इससे पता चलता है कि थोड़ा थोड़ा करके क्यों आया जी हाँ तस्वीर कल्ब के लिए और हम खूब जानते हैं कि ये कहते हैं कि इस नबी को एक इंसान ये कुरान सिखाता है हालांकि उस शख्स की ज़बान जिसकी तरफ वो गलत ये गलत नस्बत करते हैं अजमी है और ये वाज अरबी क़ुरान है यानी नज़ुल क़ुरान के हवाले से अब उनका एक और एतराज़ है कि इनको अल्लाह ने नहीं दिया कुरान बल्कि कोई इंसान सिखाता है और ये क़ुरान की कितनी बड़ी तोहन है कि उसे किसी आदमी का कलाम कहा जाए जो कि है नहीं ला अलीम। बेशक जो लोग अल्लाह की आयात पर ईमान नहीं लाते अल्लाह उन्हें हिदायत नहीं देता और उनके लिए दर्दनाक अजाब है हिदायत का मतलब सीधी राह दिखाना भी होता है और उस पर चलने की तोफ़ीक देना भी और यहाँ दूसरा माना मुराद है बेशक झूठ तो वो लोग घटते हैं जो अल्लाह की आयत पर ईमान नहीं लाते और यही लोग दरअसल झूठे हैं यानी नबी अल्लाह पे झूठ नहीं बोलता जो कोई अपने ईमान लाने के बाद अल्लाह का इनकार करे सिवाय उसके जो मजबूर किया गया हो और उसका दिल ईमान पर मुतमन हो मगर जो कुफर के लिए सीना खोल दे तो उन पर अल्लाह की तरफ से गजब है और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है ये इसलिए कि बेशक इन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आख़रत पर तरजीह दी और ये कि अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं देता यही वो लोग हैं जिनके दिलों और उनके कानों और उनकी आँखों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है और यही लोग हैं जो गाफ़िल हैं यानी देखने सुनने और समझने पर महर लगा दी गई क्योंकि ज़िद्द और अनाज की वजह से ये हक हक का टोटल इनकार करते हैं इसलिए फिर वो बाज और नसीहत की बातें सुनते भी नहीं और सुन लें तो समझते ही नहीं ला जरमा लाजरम आखिरत हम ख़ास कोई शक नहीं कि यही लोग हैं जो आखिरत में खसारा पाने वाले हैं यानी आखिरत में क्यों खसारा होगा क्योंकि उन्होंने वो नहीं किया जो आखिरत के लिए रिक्वायर्ड था फिर बेशक आपका रब उन लोगों के लिए जिन्होंने हिजरत की इसके बाद के वो आजमाइश में डाले गए फिर उन्होंने जिहाद किया और सबर से काम लिया यक आप करब इसके बाद बहुत बख्शने वाला नहाय रहम करने वाला है दोनों ग्रोहों को बता दिया गया कि किसका अंजाम क्या होने वाला है तो अमिलतमोन जिस दिन हर शख्स अपने बारे में झगड़ा करता हुआ आएगा और हर शख्स को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा जो भी उसने अमल किया होगा और उन पर जुलम न किया जाएगा अल्लाह ताला बंदों पर बड़ा गफूर और रहीम है वो ना हक किसी को सजा नहीं देगा बस जो किया होगा वो ही मिलेगा और अल्लाह ने एक बस्ती की मिसाल बयान फरमाई है जो अमन वाली और इत्मीनान वाली थी आमिनतन मुतमाइनतन, उसका रिस्क उसके पास हर जगह से बाफरागत आता था खुला लेकिन उसने अल्लाह की नेमतों की नाशक्री की तो अल्लाह ने उन आमाल के बदले जो वो किया करते थे उसे भूख और खौफ का लिबास पहना दिया किस तरह अल्लाह ताला नेमतों को बदल देता है जब इंसान ना फरमानी करता है ना शुक्री करता है और यहाँ इशारा है मक्का की तरफ और वैसे कोई बस्ती भी हो सकती है पहली कौमें फ़िरौन की कौम देखें कितनी सरखेज़ ज़मीन थी उनके पास कितनी ज़बरदस्त तमीरत थी लेकिन क्या हुआ फिर इसी तरह आद और समूद और बाकी कौमें लेकिन मक्का में ये औसाफ़ सबसे ज़्यादा थे क्योंकि बाकी जगहों पर अमन की गारंटी नहीं थी तो मक्का तो एक अमन जगह थी और बैतल्लाह में अमन की फरावानी थी और फिर रिस्क की फरावानी भी थी क्योंकि सारे लोग हज और उमरे के लिए आते और यहाँ ज़बरदस्त तजारत होती थी बाहर के सब्जियां और फल आज नहीं पहले से आते थे यहाँ पर जो आने वाले काफ़िले अपने साथ लेकर आया करते थे और आ तजारत करते थे और इनके पास इन्हीं में से एक रसूल आया था तो इन्होंने उसे जुटला दिया लिहाजा अजाब ने इन्हें इस हाल में पकड़ लिया कि ये जुल्म कर रहे थे बाशर उनमत इनकुन तुम इया होताबून सो अल्लाह ने जो तुम्हे हलाल और रिस्क दिया है उसमें से खाओ सहरी खा के रोजा रखना है हम समझते हैं कि कुछ ना खाना ज़्यादा इबादत है नहीं ज़रूरत का खाना सरासर इबादत है ज़्यादा खाना भी इसराफ है और कम खाना भी अपने साथ ज्यादती है सो अल्लाह ने जो तुम्हें हलाल और उमदा रिस्क दिया है उसमें से खाओ और अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो अगर तुम वाकई उसी की इबादत करते हो खाने के बाद शुक्र अदा करना नहीं भूलना और ये ईमान वालों के लिए हुक्म है अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं शुक्र इबादत है उसने तो तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और खंजीर का गोश्त हराम किया है और वो चीज़ भी जिस पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा जाए फिर जो कोई मजबूर कर दिया जाए जबकि ना तो वो ख़्वाहिश रखने वाला हो और ना ही हद से गुजरने वाला तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत रहम नहायत रहम करने वाला है और न कहो उस चीज़ को जो तुम्हारी ज़बानें झूठ बयान करती हैं ये हलाल है और ये हराम है ताकि तुम अल्लाह पर झूठ घड़ सको बेशक जो लोग अल्लाह पर झूठ घड़ते हैं वो फलाह नहीं पाएंगे यानी जब अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल और हराम को खुद वाज़े कर दिया है तब तो उसी के पाबंद रहो और यह ज़रूरत मत करो कि तुम अपने तरफ से चीज़ों को हलाल या हराम करो जैसे अरबों ने कर रखा था बहीरा और साहिबा और ख़ाम और वसीला बना रखे थे वो खुद से उन्होंने हलाल जानवरों को हराम किया हुआ था अपने ऊपर या अपने सोसाइटी के कुछ सेगमेंट पर तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है ये है ना इससे सबक सीखना चाहिए कि जिन चीज़ों को अल्लाह ने हलाल किया है हमें उनको हराम नहीं कहना और जिन्होंने हराम जिनको हराम कहा है उसको हलाल नहीं कहना मता उन कलील अगर दुनियावी फ़ायदों के लिए ऐसा कर रहे हो तो ये थोड़ा सा फ़ायदा है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है और जो लोग यहूदी हुए हमने उन पर वो चीज़ें हराम कर दी जो हम इससे पहले आपसे बयान कर चुके हैं और हमने उन पर जुल्म नहीं किया लेकिन वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते रहे तुम्मा रबीनाबि जहात फिर फिर बेशक आपका रब फिर बेशक आपका रब उन लोगों के लिए जिन्होंने जहालत की वजह से बुरे अमल किए फिर उसके बाद तोबा कर ली और इसलाह कर ली बेशक इसके बाद आपका रब बहुत बख्शने वाला नहाय रहम करने वाला है यहाँ अल्लाह की तरफ से बख्श और रहमत की नवीद है खुशखबरी है उन सब लोगों को जो किसी भी दीन पर हो लेकिन तोबा तोबा के बाद इसलाह कर ले अपनी और जहालत का मतलब सिर्फ लाइल भी नहीं होता बल्कि बेवकूफी और रखड़पन भी जहालत होती है खालू सलाम इब्राहिम अकान उम्मन कानतन लाही हनीफा ओलमिन मश्रक बेशक इब्राहिम एक उम्मत था अल्लाह का फर्मा बरदार और यकसू था और वो मुशरकों में से न था इब्राहिम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी लिसान वजान और पीछे आने वालों में मेरे लिए सच्ची नामबरी रख दे तो अब देखें कि इब्राहिम के लिए मुछ्रिकीन, मुछ्रिकीन हो या मशर मक्का हो, या यहूद हो नसारा हो सब उनकी इज्जत करने वाले और उनकी मिलत की पैरोकार होने का दावा करते हैं क्या खूबियां थी उनमें शाकिर ले अनुमी ही पीछे शुक्र का हुक्म दिया गया ना ये खूबी उनके अंदर थी उसकी नहमतों पर शुक्र गुजार था हालांकि आजमाइशें कितनी आई रात जब तरावी में ये आयत आ रही थी ना वह तला इब्राहिम और अबू इनका अच्छा उन पर आजमाशें पढ़ा हुआ है पता है जानते लेकिन ऐसे दिल पर आयत लगी अल्लाह ने अपने दोस्त को आजमाया था तो अगर आज हम इंसानों में से किसी पर कोई आजमाइश आ जाती है तो ये अल्लाह ये सजा नहीं है ज़रूरी तौर पर क्योंकि लोग आमतौर पर समझते हैं कि वो फ़लाँ की पकड़ आई हुई है ना फलाँ बीमारी में गिर गया या कोई और रिस्क की कमी हो गई या कोई मुश्किल आ गई तो वो समझते पता नहीं कौन से गुनाह इसने किए होंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो ठीक है गुनाहों की वजह से भी तकलीफ़ें आती हैं लेकिन बाज़ तकलीफ़ें अल्लाह की मोहब्बत की वजह से भी आती हैं अल्लाह ताला आजमाता है तो अल्लाह ताला ने उनको आजमाया वो आजमाइश में पूरे उतरे वो उसकी नेमतों पर शुक्रगुजार था आजमाइशों का कहीं गिला शिकवा मिलता है अल्लाह तूने मुझे इतना क्यों आजमाया जो जहान वालों में से किसी को नहीं आजमाया उसने उसे चुन लिया देखिए इम्तिहान के बाद पास हो गई आप अगले ग्रेड में जाते हैं ना तभी दर्जे बुलंद होते हैं और बहुत से लोग फिर पेपर देने से घबराते हैं हम चाहते तो हैं कोर्स कर लें लेकिन एग्ज़ाम ना हो तो एग्ज़ाम नहीं होगा इम्तिहान नहीं होगा तो अगले दर्जे पे कैसे जाएंगे वो तो एक बहाना है आपको पढ़ाने का जिंदगी में जब तक आप चैलेंजेस कबूल नहीं करेंगे ना तो आगे नहीं बढ़ सकते आपके अंदर अल्लाह ने बाजोकत बेपनाह पोटेंशियल रखा होता है लेकिन आपने कोई स्किल सीखी नहीं होती कुछ किया नहीं होता अपने आप को कोई रगड़ा ही नहीं दिया होता कि चमक जाए तो फिर कौन आपसे फ़ायदा उठाएगा उसकी नेमतों पर शुक्रगुजार था उसने उसे चुन लिया और उसे सीधे रस्ते की तरफ हिदायत दी अब इनके सीधे रस्ते पर होने की गवाही कौन दे रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत एक और जगह पर फरमाया वह इब्राहिम इब्राहीम वफ़ा और इब्राहिम जिसने पूरा हक अदा कर दिया वफ़ा कर दी व फिद दुनिया हसना व इन्न हूफिल लमिनस सालिहीन और हमने उसे दुनिया में भलाई अता की थी और बेशक वह आखिरत में भी यकीनन सालिहीन में से होगा हजरत यूसुफ़ ने तो दुआ की थी ना वालकनीब सालिहीन और इनके बारे में गवाही आ गई कि वो यकीन सालिन में से होगा ये बहुत बड़ी नेमत है ना इसलिए इसका बार बार जिक्र आ जाता है फिर हमने आपकी तरफ वही की कि आप इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी कीजिए जो यकसू था और वो मुशरकों में से न था बेशक हफ़्ते का दिन तो सिर्फ उन लोगों पर मुकर किया गया था जो इसके बारे में इख्तलाफ करते थे और बेशक आप आपका रब यकी उनके दरमियान क़्यामत के दिन फैसला कर देगा जिसमें वो इख्तलाफ किया करते थे यानी इख्तलाफ का मतलब यह है कि सलाम ने उन पर जुमे के दिन की तज़ीम वाजिब की थी मगर उन्होंने इख्तिलाफ़ करके हफ़्ते का दिन मुक्र कर लिया और फिर उसकी भी पासदारी नहीं की उदो अला रबी का बिलमतना वजा दिल हम बिल्लतीसन इब का हुआ आलम सबी व हुआ आलमिलहत अपने रब के रास्ते की तरफ और उम्दा नसीहत के साथ दावत दीजिए और उनसे इस तरीके पर बहस कीजिए जो बेहतरीन हो बेशक आपका रब खूब जानता है उसको जो उसकी राह से भटक गया और उनको भी और उनको भी वो खूब जानता है जो हिदायत पाने वाले हैं तो हम पर क्या लाजम है कि अल्लाह की अल्लाह की तरफ किसी को बुलाएँ दीन की दावत दें तो क्या करें हिकमत के साथ बिजडम के साथ ब्लंटली नहीं अप्रंट होके नहीं और दूसरे दलील के साथ अच्छी नसीहत के साथ तो ये दावत व तो तबलीग के उसूल हैं और अगर कहीं जिदाल हो तो यानी झगड़ा हो कोई बहस हो तो बहुत उमदा तरीक़े से गु़स्से से नहीं और जारहाना हमले कर नहीं व इन आक़ब तुम फ आक़िब बिमसलिब तुम भी ओला इन सबर तुम लुखरसा बीन और अगर तुम बदला लो तो इतना ही बदला लो जितनी तुम तकलीफ़ दिए गए और अगर तुम सब्र कर लो तो यकीन ये सबर करने वालों के लिए बहुत ही बेहतर है वसबिर व मा सबरु का अला बिल्ला वजन अलिम वायम कुरून और सब्र कीजिए और आपका सबर अल्ला ही की तोफीक से है सबर की भी तोफ़ी अल्लाह ही देता है और आप इन पर गम न कीजिए और न किसी घुटन में मुबतला हों उससे जो चालें ये चल रहे हैं आखिर में फिर सब्र करने का हुक्म आया है और सब्र कर लेने में इंसान का अपना कोई कमाल नहीं बल्कि सब्र अल्लाह ही अता करता था जिसको सब्र की दौलत मिल गई वो बड़ा ही खुशकिस्मत है और अल्लाह ताला कब सब्र अ करता है जब इंसान अल्लाह के आगे आजजी इख्तियार करता है और उससे दुआ करता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही कि आप अपनी कौम के ईमान ना लाने पर गम ना करें क्योंकि आप इतना अपने आप को गमगीन करते थे कि फरमाया कि शायद आप अपनी जान घुला दें आप फिक्र नहीं करें इनदी न मुहसिनून बेशक अल्लाह उन लोगों के साथ है जो तकवा इख्तियार करते हैं और वो लोग जो नेकी करने वाले हैं लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तखबा और एहसान के मकाम पर फाइज हैं इसलिए अल्लाह की मदद आपके साथ है ये एक मैसेज है जो आपको दिया गया हो और जिसके साथ अल्लाह हो उसका गम से क्या ताल्लुक जब गम का दौरा पड़ने लगे ना या कोई परेशानी का तो कहा करें अल्लाह है ना अल्लाह तू है तेरे होते हुए मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ तेरे होते हुए मैं हार जाऊं ऐसा नहीं हो सकता बस मुझे तेरी मदद चाहिए और अल्लाह ताली किसके साथ है हर मुत्तकी के साथ हर मुहसिन के साथ तो सब्र तकबा और एहसान का सबक याद रखें अल्लाह की मदद आती रहेगी हमें सूरत से शुरू करना था जो उस पारे को मैंने पारे से शुरू कर दिया पहली आयत रह गई है आप मुझे कुरान शरीफ दे दीजिए क्योंकि मेरे पास पहली आयत नहीं तो मैं उसको पढ़ के तर्जुमा कर देती हूँ

Allahu Ekber,